नमस्कार, मैं देवेंद्र मेवाड़ी अपूं सभी लोगों स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। आज यो एक नई श्रृंखला जो छो कुमावनी शब्द संपदा में शुरू करना जी, हम उस श्रृंखला छो हमार पुरखों के बारे में, हमारे पुरुख जो छे हमों के उनों को याद करण से यो जरूरी छो के लेके खुद हमारे पीढ़ी में, हमारे बादे पीढ़ी में और जो ओनेर पीढ़ी से उन्हों में हमारे पुरखों के करो हमारे लीजिए के कर गई, उत्तराखंड के लीजिए, देश के लीजिए, दुनिया के लीजिए के कर गई। यो तबे पता लगल जब हम उन्हों के याद करो, जब उन्हों उनर बारे में हम बात करो और उनर काम के बारे में बात करो। हमारे एक बहुत ठुल जो छे विराट व्यक्तित्व वाल पुरुष जो छे शैलेश मटियानी जी, जन्मदिन छो 14 अक्टूबर, हमारे पुरुखा श्रृंखला के पहल जो से पैनल डिस्कशन से बातचीत तक जो से शुरुआत से आज बटी चौतार में हम लोग चार लोग ये में छा आज जो हम लोग मटियानी जी पर बात करने के लिए आ रहे हैं। मैं पहली इनर थॉट परिचय कर रहती हूँ आप लोगों के। हमारे बीच है डॉक्टर शेखर पाठक, उन्हें लीजिए एक बेर प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी जो छे ना, उन तीन मूर्ति भवन हॉल में मंच बटे ने सी कि शेखर पाठक पूरे उत्तराखंड में जो छे उन्हों के कोई पिलघट या कई पुतल थे ले पूछ लिया, कोई ले कीड़ मकौड़ ले पूछ लिया, उन सब पहचानी उन्हें चलता फिरता शब्दकोश थे के। और बहुत लोगों से मैं पूछा वो कहनी बिल्कुल सच्ची बात से यो सही कर पहाड़ एक जड़ों दगाड़ जुड़ी हुई, पहाड़ एक संस्कृति, पहाड़क समाज और पहाड़क लोगों जो थे उनर साथ जुड़ी हुई जो थे शेखर पाठक आज देश दुनिया में सब लोग पिछड़ने उन्हों के उन बहुत प्रसिद्ध पर्यावरण विद थे, उन जो से सांस्कृतिक गहन अध्ययन करने लोगों में अच्छे। एक अलावा उन्होंने कुछ यश काम कर रखे कि जैसे असकोट आराकोट यात्रा उन्होंने करे तो उन घुमक्कड़ से बहुत है जबरदस्त घुमक्कड़, शायद कोई उत्तराखंड कोई ग्लेशियर से जो एक यात्रा उन्होंने कर रहा है, गौ गौ उन जा रही और ये यात्रा में उन्होंने नेपाल बॉर्डर बटी हिमाचल बॉर्डर तक एक यात्रा कर रखी और 5 यात्रा जो से 10-10 साल में उन्होंने और अगल के फिर होते रह लिए ने उन। उन्होंने पहाड़ संस्था की स्थापना करी और पहाड़ संस्था में जो है इन्होंने पहाड़ पत्रिका एक बहुत सम्मानित पत्रिका से वो शुरू करी और प्रोफेसर इतिहासक भी है, उन्होंने इतिहासकार मानी जो कि जानी मानी इतिहासकार थे और हिमालय पर अध्ययन लीजिए अगर कोई आज सब ठुल संदर्भ मानी जांच तो उन शेखर पाठक जो मानी जानी हमारे साथी से। और डॉक्टर शेखर पाठक के बारे में और तमाम चीज से तो संक्षेप में यदि कोई कह सकूं मैं, हमारे भी डॉक्टर प्रवीण बिष्ट जी से जो बंबई में रुईया कॉलेज में पढ़ोनी, जैसे शेखरेल जो से उन्होंने अपन जड़ां तरफ बाट पकड़ा, उन्होंने नौकरी ले पहाड़ में करी, वीक बाद अपन गांव अपन लोगों का अपन संस्कृति वीकी जड़ों में जो से काम करना को उन्होंने अपन लीजिए अपन करियर जो से अपन जीवन में काम करना वहां से होता। हमारे पर उन्होंने नौकरी के लीजिए तली देश की तरफ न देख, लेकिन प्रवीण भरजूल मेरी पर जो है उन्होंने देशक बाट पकड़ो और हमारे द्वारहाटा से उन द्वारहाट बटी पढ़ लिख फिर उन बम्बई गई और वहाँ रुईया कॉलेज में प्राध्यापक से वहाँ पढ़ोनी। और एक अलावा देवेश ठाकुर जी एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका समीचीन निकालने सी, आजकल एक संपादन देवेश जी इन्हों के सौंप रखो और एक आगामी अंक मटियानी जी पे निकालने से। और सब ठीक बात यो छे कि नू लिए मटियानी जी उपन्यासों पर पीएचडी कर रखी, वो पीएचडी काम मटियानी जी के उनार घर ले जा रही, उनार नांतिना थे, उनार गलवाल थे, सबो थे, नीला भाभी थे, उन सबो थे मुलाकात छे। और मटियानी जी एक बार में उनार उपन्यासों के माध्यम बहुत कुछ उन जाननी तो आप उपन्यासों के बारे में उनार हमों के बता। और हमारे सभी युवा साथी से डॉक्टर अनिल कार्की और डॉक्टर अनिल कार्की जो थे जैसे मेल और प्रवीण जील जो
शहरों में का नौकरी ढूंढी आपन लीजिए, तो अनिल जो से वो डॉक्टर शेखर पाठक को बाट पकड़, दोनों पहाड़ों को बाट पकड़ो और अपन गांव की तरफ गई, और वहां एक बहुत ठूली नो लिया का अपन स्वप्न देख रखो, और बहुत बड़ी एक संकल्पना इनर्स रहवासी नाम है, वो रहवासी में काम ले शुरू कर हलो, और तमाम लोगों सहयोग ले पूर्ण एक परिवर्तन लोने कोशिश करना रही। नौकरी छी इन पा भली नौकरी छी, पीएचडी इन्होंने करो, इन्हों के वजीफ ले बहुत बड़ी मिली, और बहुत बड़ी कवि छे, और इनर कलम जो छे ने खासियत यो छे कि जतु बड़ी इनर कलम लिखे उतु के बड़ी इन हौले बानी, उतु के बड़ी जमीन ले बानी, तो फसल ले उतु के बड़े पैद भेजे, तो इन कवि ले छे, किसान ले छे, कथाकार ले छे, और नई पीढ़ी में बहुत ज्यादा इनोवेटिव आशा हम लोगों के छे, और सभी ठुल बाद में के जो लगे हुए लगे कि रहवासी संकल्पना माध्यमे लियन जो छे, जो हमार स्वयं छे, जो हमो देखे छे कि यह सुनते हम सोचते रह गया खाए कि हमार पहाड़ यह सुन, वहां यह सुन, हमार गांव में यश करी जान, तो हमारे पीढ़ी में ज्यादातर लोगों सिर्फ हम सोचते रहे, इनोल हमार उनर ब्यों जो से हमार स्वयं जो से हमार सपने जो से हमार स्वेना ब्यों जो से इन रहवासी के माध्यम में वहां गांव में छटक ना रही, वहां बुए ना रही, तो भोल पड़ो हमों के लेके अपन स्वयं जो से वहां देखील कि उनले जमनारी फसलों पर जो से वो चीज कि हमों के लेके बहुत मन में खुशी हुई कि हमारे स्वयं ले साकार भई, जो अनिल और उनर टीम उनर साथी और गांव वाला सहयोग है। तो अब इन तीन तो डॉक्टर भी, डॉक्टर शेखर पाठक, डॉक्टर अनिल कार्की, डॉक्टर प्रवीण चंद्र बिष्ट जीव, मरीज के भय निरपा वो मैं चो लिखने पढ़नी, अगर मरीज जो से इनर हाथ में पढ़ सो इन्होंने को कि तुम्हें बताला हम लोग चौतर में बैठ रहे हैं और मटियानी जो बात शुरू हुई तो आपको बताया गया, मटियानी जो दगड़ थोड़ा बहुत मेरे लिए मुलाकात थी, उन लोग दिल्ली में मैं उन दिनों ब्याले नहीं रही थी, अकेले रही थी, तो उन अपन बक्स वक्स सब लहिम सहिम शरीर के साथ वहां पहुंचे थी, तो उन्होंने दगाड़ थोड़ा मेरे लिए के अनुभव छ मेल को ठीक से पे। अब आप लोगों सपोल अगर यो तय कर रखो तो मरीज जो छ वो हाल बताल, तो मेल के जो मैं कहीं मालूम छ मैं अपन बार में क्यों कहूँ वो ठीक नहीं लगन, मैं मेरी हाइब्रिड मानी जाऊँ मैं, एक संकर फसल जैसी के ने उसी कि यो साहित्य से यो विज्ञान से कह चुके, और मैं बड़ी खुशी हुई है, चलो मैं कह संकरत माननी कम से कम, तो मैं साइंस में और साहित्य में जैसे अपन पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी कई जगह नौकरी करे, दिल्ली शहर के ओन पड़ो में थे और कई शहरों में नौकरी करते कराते रिटायर हुए कुछ, उस किताब वगैरह विज्ञान में और अपनी यात्राओं पर, और मेरी जो छ खास किताब जैसे आप लोगों को बहुत प्यार मिलो कुछ मेरी यादों का पहाड़, मेरी यादों का पहाड़ जो छ वो एक जो निमित्त से वे एक छपना कौन डॉक्टर शेखर पाठक यहाँ बैठी भी थे, तो नेशनल बुक ट्रस्ट में तने पकड़े आई वहाँ और वहां बटी वो छप गए, तो बस मेर और ज्यादा क्या परिचय नहीं से, और मैं यो चांच कि आज हम सभी पहले सब और आपू लोग जो नेटवर्क में जुड़ रहा था, जो लोग सब ये प्रोग्राम के देखन और सुन रहा था, हम आपू सब लोगों थे यो यो गुजारिश से यो अनुरोध पर उसमें कि हम लोग उन्हें जो से याद जो से उन्हें स्मृति जो से भी के नमन करना, सबसे पहली हमार पुरुष जो थे जो हम हन बाट बनाए गई पुरुष के महापुरुष वे, वो सवाल पूछो ना महाभारत में अपन वो कहानी सुन रहे नेल की यक्ष पूछ के को पंथा मार्ग कौन सा रास्ता कौन सा है क्या, तो वो कह के महाजनों ये निगत सपन था, उन महाजन जो थे उन महापुरुष है बे, उन महापुरुष हमार जो थे यो जो हमार विद्वान जो से लेखक से जो वैज्ञानिक से जो जो समाज शास्त्र में काम करनी जो पर्वतारोही है जो हर फील्ड आग जो से पर्यावरण भी से, इसे हम लोगों जो जो हमार एक है एक ठोल विद्वान जो से पुरुख रही, लेकिन आज उन हमार बीच ने से उन विदा हो गई धरती पट्टी हमारे लिए जी बहुत कुछ कर बे, तो यो हमार हमार जैसे उत्तरदायित्व से कि हम उनको याद करा और तब हम उनके मतलब ये कार्यक्रम माध्यम याद
करते रहो सबसे ठूली बात यो छी कि उनके मटियानी जी सबसे खासियत यो छी एक नन्ना ना अनजान गांव बटी। आज दुनिया में बहुत जा कोरो जर्मनी बटी एक फोन आ रहे छी वहां भरजू एक वे में यूनिवर्सिटी में पढ़ोनी। मैं कह आश्चर्य हो कि वहां हैमबर्ग यूनिवर्सिटी में जो है मटियानी जी ऊपर वहां एक कार्यक्रम होना तो बाड़े छी ना जो है नाम जो वो जरा नन्ना ना गांव छी वो गांव का नाम आज दुनिया में लोग जाननी वी बालका कारण जो जेल वहां जन्म ले जे माटिल वी के जन्म देश वहां जे जे इजेल जे माल वहां जन्म देश। जब बटी पिथौरागढ़ के जांचू रोम बटी चिताई बट तल्ली उतरबे जब वी बटा बट जानो तो एक जग बोर्ड लिखी हुई वहां बाड़े छीना वी तरफ के निशान लगे हुए छे। तो मने मन वहां प्रणाम करू कि आहा यहाँ पैद भई मटियानी जीव वहां बटी एक बार में विस्तार शेखर बता ले आपों के तो वहां बटी उन अल्मोड़ आई। अल्मोड़ में उन्होंने जन के स्वयं देखे उन दोनों के भाई उन दोनों गोलबाज खूब पाले छी उन दोनों फसल पानी खूब हुई छी जो आज आप आज पहाड़ों पूरा वो दृश्य बदली गो ने आज वो तो फसल पानी ले नहीं लोगों ने खेती बहुत अनाजों छोड़ ली। तो लेकिन उन्होंने बहुत स्वयं देखी उसी अपन बहन एक लीजिए कसिल ब्याह करूल अपन भाई एक लीजिए दू एक लीजिए मैं भविष्य कसिक बनूल गए। लेकिन खुद दोनों का ये मुश्किलों में परेशानियों में रन पड़ो एक बार में ले पैनल में डॉक्टर शेखर बता तो वहां बटी कसिक वो फिर पहाड़ बटी उन्हों के अपन क्यों स्वयं उन्होंने ले कि मैं के लेखन बनन छ लेखक बनन छ मैं लेखक बनूंगा जीवन में यो उन्होंने संकल्प करो और एक लीजिए कुल दुनिया कोई चीज ले छोड़ सकू। तो उन उन पहाड़ बटी गए और एक बार जब इलाहाबाद गई इलाहाबाद में रोजी रोटी सही प्रबंध ने भे फिर ट्रेन में उन्होंने गई सेठ से टाइम मिली तो उन्होंने मुजफ्फरनगर लिगी वहां उन्होंने घरेलू या सेवा का काम करो और नौकरी वहां वे घर में करी वहां लेकर उन्होंने देखो कि मैं लेखक बनना को यहाँ कोई कोई हिसाब है नहीं से मैं कह ये तो टाइम लेने मिलन लेखक यहाँ कैसे बन सकू। तो वो दिल्ली पूजी दिल्ली में उन्होंने कहानी जो है अच्छा कहानी वगैरह उन्होंने लिखन शुरू कर दिया 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में और 15 साल की उम्र में उन्होंने किताब एक छप गई छी नहीं मतलब ये तो प्रतिभाशाली छी हूँ। तो वहां बैठी दिल्ली में उन्होंने का दिन वहां देखो एक बार वहां बैठ सिद्ध बम्बई और बम्बई एक बड़ी उन्हें लंबी कहान से और कश्य उन्होंने यहाँ तक कि अपन खून बेच बेर लेकर उन्होंने रात खाना का इंतजाम करो वगैरह वगैरह ऐसे बहुत बहुत भयंकर संघर्ष गाथा छ। और आज यो कही जांच कि ये तो संघर्ष वर्तमान समय में जो हमारे पीढ़ी टाइम में लेके यस कोई लेखक ने देखी हिंदी में या अंग्रेजी में ले जेल ये तो संघर्ष कर रहे हमारे देश में तो सब है ज्यादा संघर्ष उनूल करोगे लेकिन उनर कलम के ताकत कहाँ पे मिले उनर उनर कलम लखन कहाँ पे शुरू करो वो गांव में जब उन्होंने वहां शुरू करो तो उनर वो कसिक लखन शुरू भाव उनर जैसे उन्होंने मैं जरा सा एक बार में यो कंचाल की उनर जैसे हमारे जो लोक देवता से ना लोक देवता उनर अवतारों जो औसाण से उनो बटी उनो के सुन सुन बेर उनो के जगरिया के सुन बेर जो से उनर गाथाओं के सुन बेर उन्हें कलम एकदम से जो से वो एकदम सक्रिय हो कि ये में हम जो से रचुल गए। और उन्होंने शुरुआती जो उपन्यास कहानियां जो ले से उन्होंने वे में रची और उन्होंने कुछ मैं आपों के यो बतौन चाँच की कसे गुनोल सुरो का जैसा जाए हेर सैम राजा महाराजन के राजा कुंभ राशि लिंग लिंगावतारी चमत्कारी कल्याणकारी मेरे ठाकुर बाबा कि तेरा रहना कहाँ बांज के वृक्ष देवदार की डाली में कि खाना क्या फूल की खुशबू पात की थाली में कि आना कैसे 52 बयारों के संग जाना कैसे 64 जोगनों की पालकी पर चढ़ के कि दाएं हाथ में सुबरन का खड्ग और बाएं हाथ में गेंडा चाम की ढाल के युद्ध क्षेत्र में शत्रुनाशी बन जातो मेरे देवता घिन घन कुटि 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 हेर बाबा महाराजन के राजा हे वो सेम सेम एक जब उन सुने सी ऐसे कि कसी कोई जागर शुरू होना कसी गाथा शुरू होना तो वही में उन शब्द नाद वो संगीत वो सब उनर उनर कानों में उनर मन में सब जैसे घाटी में जैसे बांसुरी जैसे बोल रिंग जाने ने उससे उनर मन में रिंग गई
और वेक बाद उन्होंने जो लखन शुरू करो और फिर जब लोगों देखो अपन अपन पहाड़क कि उस किताब कभी आई नहीं रहे, उस कहानी उस उपन्यास कभी आई नहीं रहे, किले की गांव भीतर तक कोई उसी वहां बटी लेखने लेने आया कहले उतुक देख लेने हुई में, और वहां बटी उन्होंने लिखते हुए धीरे धीरे वो पहाड़ सामने रखो जो असली पहाड़ छो, जो पहाड़ एक आत्मा छो, वर्ग भेदक लेके उन्होंने एक बार में लिखो उन दिनों जो सा आजादी है पहली जो सी ये धन परिवर्तन वगैरह के लेके कुछ चीज भेजी उन्हों पर ले कहानी लिखे, उन्होंने हर किस्म जो से समाज में जो जो विषमता थी वे एक बार में ले लिखो, और पूर्व गाथाओं में जो गाथाओं स्वर में जो रचो उन्होंने जैसा अपन कहानी और उपन्यास वे के सुनबेर जो सा हम सब लोग उनर जो से हम उनर शिष्य हो गया एक तरह। मैं नैनीताल आता हूँ उन दोनों उन्हें मेरी 33 कहानियां किताब छपे थी एक आध साल भर थी तो मैं के पढ़ने मिली रात भर सकसकाट आंख पोछते पोछते कसी के रोते हुए वो उन्हें 33 पेज को उन्हें भूम का कसी पढ़ी जैसी वो आज ले याद से मैं के वे में सब कहानी उन्हें जैसे पहली बार 33 कहानी पढ़ना मौका मिलो एक बार जाले के उन्हें चाहे धर्मयोग हो या कोई ले पत्रिका सारिका वगैरह सब में उन्हें कहानी पढ़ते रहे। और एक बात जो सर धीरे धीरे उन्होंने जो सर मटियानी जी ये तुक उन्होंने वो बड़े सी ना गांव बट एवेर और अलवर्ट बटी ये तमाम शहरों तक अपन रोजी 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 रोटी के लिए चक्कर काट भी है उन्होंने कतुक मतलब आप के विश्वास बोलो कि ये मैं 30 उपन्यास लिखी और 30 कहानी संग्रह और कम से कम 13 निबंध संग्रह से उन्नार दर्जन भर उन्नर बाल साहित्य किताब से और द्वि संस्मरणों किताब से और द्वि पत्रिकाओं जिनों में प्रमुख विकल्प ले थी विकल्प विकल्पक इनर संपादन करो विकल्पक लीजिए उन्होंने प्रतीक चुनो देवदार और पेड़ तब उनमें के बतोची एक बेर के देवेन मैंने देवदार का पेड़ इसलिए चुना के अपन जड़ों पर ठाड़ना और सैकड़ों वर्षों तक चलते ही रहना क्योंकि क्या है कष्ट दुख दर्द बारिश बर्फ आंधी तूफान कह ले फिर लेके वो ठाड़ी में तो उन्होंने एक प्रतीक जैसे में जो चिन्ह लगा वो देवदार लगा उन्होंने उनार उपन्यासों में अहले हमारे साथी लोग बता में चिट्ठी रसैन हौलदार मुखसरवर के हंस बेला हुई अबेर वगैरह ऊंची अर्धांगिनी दो दुखों का एक सुख और चील महाबोध वगैरह तमाम कहानी संग्रह से अनिल एक बार में कहानियों बारे में बताल और विष्णुजी जैसी मेल बताल उन उपन्यासों के बारे में बताल और उन व्यक्तिगत जीवन जैसे भी एक बार में साथी शेखर बताल। अच्छा नागार्जुन जो है बाबा नागार्जुन कही करे कि यो इन हमारे भारत तक गोरकी जो है वही समान से मटियानी जो जो है उन गोरकी और दास्तोवस्की जो से विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार उन्होंने तुलना करी थी और राजेंद्र यादव जो छे ये तो टोल संपादक और समालोचक उन्होंने कहन छी कि मटियानी जीवल जो कहानी लिखी लगभग 300 कहानी लिखी वे मैं 10-12 कहानी उन्हें यश चीन जो विश्व स्तर कहानी थी जबकि हमारे पास केवल मुश्किल है लियग्दी 3 कहानी प्रेमचंद तक ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 कहानी में ले ली लेकिन शैलेश मटियानी यश लेखक हमारे बीच में पैद भई जिनपे कम से कम 10-12 कहानी जो विश्व स्तर कही जा सके लेकिन मटियानी जो के वो उतुक प्रसिद्धि ने मिल उतुक यश ने मिल जो उनको मिलन चाहिए और जिंदगी में दुख है दुख मिली मैं के निराला जीव लाइन याद हो दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो कुछ नहीं कही वो जतुक निराला जी के लीजिए सही थी उतुक के जो से मैं लागत ये मटियानी जीव ले लीजिए सही थी और ये तो स्वाभिमानी थी कि बहुत स्वाभिमान को नर्किस्त बहुत से तो और लेखक मतलब दमदार शानदार चने सी हूँ तो मैं काफी देर मतलब बातचीत कर लिया। अब मैं अनुरोध करूँ सब है पहली मैं बीच में बात नहीं काटूँ और बीच में मैं सवाल लेने पहुंचा ताकि एक सुर में पूरी बातचीत हो जाओ और हमों के सुनन मिलो के लिए कि यश मौक बहुत कम मिला कि आज विद्वान जो कि वी फील्ड के बारे में वी क्षेत्र के बारे में गहराई बात कर सकनी वो उन्हें बात सुनना का मौका मिला तो मैं डॉक्टर शेखर पाठक जो थे अनुरोध करूँ कि उन
मटियानी जू बचपन और उनर संघर्ष के बारे में अपनी बात करल, बिल्कुल 20-25 मिनट बात कर सकनी बहुत है आराम है। और वीक बाद मैं बिष्ट जू से बात करूल, और वीक बाद जैसे मैं अनुरोध करूल अनिल थे कि मतलब जैसे अपन अपन विषय पर बिष्ट जू जैसे उपन्यासों पर और अनिल जैसे वो कहानियों पर बात कर रहा। तो मैं डॉक्टर शेखर पाठक से अपनी बात शुरू करना का अनुरोध करूँ। हाँ अच्छा आजाक प्रधानजू देवेंदा हमार और बम्बई बटे प्रवीण बिस्टिजू और किकोनी गरुड़ बैजनाथ हो किकोनी अनिल कार्की और ये एक आयोजन करता था हमार हेम हिमांशु और हेम। तो हिमांशु हेम एक ते पन्ने धन्यवाद में दीदियों की उन्हें ली देवेंदा के ये में जुड़ देर एक बहुत सुसंचालित गोष्ठी शैलेश दाजू की याद में आज आयोजित करी। बहुत बहुत बधाई जू। जसके देवेंदाल बता कि जो 90 साल उन्हें लागन एल अगर वो हमारे बीच होना तो अल्लाह बटे तुम अपन गांठ में बांध लियो और अल्लाह बटे निर्णय कर दियो कि 2030 और 31 में उन्हें जन्म शताब्दी पड़े ली और अल्लाह बटे भी तैयारी हवा और एक भव्य जन्म शताब्दी विश्व स्तर पर मनाई जाओ उन्हें बाड़ी छिन बटे लीवेर बम्बई जाने को और भैरव विश्वविद्यालय में ले हवो अपन विश्वविद्यालय में ले हवो और ये कोशिश करी जाओ कि सरकार ने ले करो तो समाज और संस्था मिल पेर मटियानी जी जतुक साहित्य से उस समग्र साहित्य भी मौक पर प्रकाशित हो और दुनिया के सामने बैठे आओ और कुछ हमारे लोग उन्हें अनुवाद ले दुनिया को और भाषाओं में कुछ चुनिंदा रचनाओं उन्हें अनुवाद ले कर पत्तने तुमन के बहुतन के याद होने ली जब गोरकी की मृत्यु भय तो वहां के रूसा बहुत ठूल क्रांतिकारी लेनिन जब आई बोलना हैं तो कुनी उन्हें ली यो उसको की लेखक है कि सिर्फ जन्म तिथि हुई जी उन्हें मृत्यु तिथि ना होनी वो सिर्फ वो पैद होनी वो मरण न कर वो सदा जीवित रोनी। और तो ही बात जी शैलेश दाजू बारे में कही जानन जलन छे बाबा नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह जैमे जनन में एक गोरकी का अनगूंज देखे थी उकूंज की ओ भारतक गुरकी छन। तो शैलेश मटियानियों हिंदी क हिंदी के ने बल्कि भारतीय जो तो हम जानू भारतीय साहित्यकारन के हैं उनमें सबसे असाधारण एक तरीके साहित्यकार छन। ये तो कठिन जिंदगी और मेरे ख्याल बहुत कम साहित्यकार ने ली जी होने युष मेरा गया उन्हें गाथा तो बहुत ठुल छ और अगर कभी तुम मेरी 33 कहानियां भूमिका पढ़ला जे जिगर एल देविंदाल करो तो वो बहुत है मार्मिक कहानी छू। ये बखत मात्र 30 साल छी और हिंदी में स्थापित है गयो जी और यो 33 कहानी ना भूमिका रूप में उन्हें अपन पूरे संघर्ष गाथा वी 30 साल तक लिखी। उन्हें मृत्यु तो 70 साल 40 साल बाद उन्हें मृत्यु 70 साल उम्र में भय वो बाद की गाथा उन्हें उस तरीके ना आई जे तरीके एक बहुत है गतिशील एक बहुत है प्रभावशाली भाषा में 30 साल उम्र में उन्हें ली मेरी 33 कहानी आग भूमिका में लिखो। तो ये लंबी कहानी तो मैं एल पुणे स्थित में नहाती हूँ लेकिन हर साहित्यकारक हर रचनाकारक एक प्रारंभिक आगम हो कैचमेंट है जैसे बोनी अंग्रेजी बात असली में जब माट बैठे जब परिवेश थे वो ठाड़ हूं मलके उठा और वे एक पेन वे एक मानसिकता बने वे एक संवेदनशीलता विकसित हुई ठुली हुई बने ची और ठीक धीरे धीरे में रचनात्मकता फुटन पड़े अलग अलग माध्यम ने जिसके यो उस साहित्यकार थी तो साहित्यिक रचना में माध्यम ने उन्हें रचनात्मकता भैर फुट हुनेल। तो जो अलमाड़ जिले में जो बाड़े छिंच अलमाड़ बैठे पिथौरगढ़ के रस्ते में और पुराण जमाने में जो अलमाड़ बैठे गंगोली हाट होते हुए पिथौरगढ़ी और गंगोली हाट होते हुए बीड़ीनाग बैठे मुंशियार धारचूला ही जो बाढ़ जाए तिब्बत तक जो बाढ़ जाए वे मुख्य बाट में बाड़े छिन्न पड़े थी जबान में और ये जागेश्वरों बाटली छी यो महत्वपूर्ण बात है और धौलचीना ही ले जाए वो फिर सरघट ही ले जाए वो मोहन सिंह रिठा गाड़ी के लाके ही ले जाए तो ये बाड़े छिंदगढ़ी या मटियानी जीव की संपर्क थी यानी कि सबसे जो रक्त संबंध से वो बाड़े छिंदगढ़ थी। आज मैं शैलेश मटियानी जाने पूजने कोशिश करूं लेकिन मैं शुरू करने छू आज रमेश चंद्र सिंह मटियानी और यहाँ 14 अक्टूबर सन 1931 के दिन श्रीमती और श्री बिशन सिंह घर
ठुलचालोक जन्म भयो जे नाम पढ़ो रमेश चंद्र सिंह मटियानी पूर्ण नाम उन्हर पढ़ो। बाड़ी छीन नान नान कस्बा जो सी एक मिडिल स्कूल वक्त वहां थी एक मुख्य बाड़ी वहां की कोनी पिथौरगढ़ और वहां को बाड़ी वो पिथौरगढ़ बाट में होना में आवत जावत बहुत ज्यादा थी और हमारे जो सौका लोग थे भोटिया लोग थे उन्हें बहुत ये बात हुई थी अपन बकारन लिबेर अपन भिड़न लिबेर कारवा जो सिन व्यापारी कारवा ले जाची और पिथौरगढ़ रस प्रचलित थी तो वो ले जाची नेपाल तय सामान जाची तिब्बत तय सामान जाची तो एक तरीके ली बहुत गतिशील एक एक जाक्षी हो बाड़े छिन और तमाम यह जागने न्याती जहाँ जहाँ बैठे कोई मुख्य बाट गुजरे पाड़ीछिन में स्कूल में भर्ती करो उन्हें दवात पाठ बैठी शुरू है उन्हें संस्मरण कोई पढ़ा उन्होंने ये वर्णन दवात पाठ वाल उन्हें बहुत वर्णन मुझी में एक पढ़ो दू पढ़ो तीन बैठे चार में जब वक्त विभखत ज्ञान बरु साल उन्होंने लगी थी विभखत विभखत इज और बाजू द्वियादि खत्म है गया तो छोर मुलिया है गया सबसे छोटी भाई एक नान भाई भी हो एक नान बहन भी है तो बिल्कुल एक जैसा कोनी की एक अंधकार एक जीवन में जो है नानू नान भोग बार साला भोग जीवन में अंधकार आ गई। कक्षा पांच में भर्ती भी लेकिन स्कूल न चल सकूल और घर वापस आ गया। घर वापस आ गई उन्हें जिंदगी बहुत कठिन तो भाई लेकिन वो एक स्वाभाविक जिंदगी ले वक्त पहाड़ा गौन में नंतिन्ने घोजी लेकिन ये तो ज्यादा कठिन काम दिक्कत तलब काम नंतिन्ना हिस्से ले नहीं जो शैलेश रमेश चंद्र सिंह मटियानी के हिस्से वक्त आए। ये जो छोर मुलिया थी रमेश चंद्र सिंह पांचवी कक्षा छोड़कर घर वापस आ आवी काम घर जंगल खेतन में गार्डन में हो चु अगल बगल जनरली तो मैं बाड़े छिन देख रहा होने वालू बाड़े छिन बड़ो खूबसूरत जगह छ बहुत फैली हुई जगह छ पिछाड़ के यू में धौलछिन छ धौलछिन बटे फिर वो बिनसरो पहाड़ में हजा मिल के फिर वही पहाड़ तल के आते 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 अलमार तक हूँ फिर अलमार बटे तल जान सुयाल और कोसी मिलनी वहां फिर वो वहां तक वो पहाड़ फैल जा और बाड़े छिन बैठे पिछाड़ के जो घाटी जो जागेश्वर तरफ पनवालोला तरफ ही जाए जी नानी नानी एक गाड़ निकलने जैसे सुयाल गाड़ को नहीं में एक दोहरी गाड़ भी तरफ बैठे होनी तो इन द्वीप गाड़ ना बीच में एक तरीके ली बाड़े छिन छ और इन और जो चरागाह छन सामुणी जंगल में और पिछाड़ी जंगल तक फैली हुई छन चरित आजुल अपन में बकायदा इन जागनों को नाम दी हुई छ की इन जंगलन में कशके हूँ सुयाला दुआ तरफ अपन जानवरन लिबेर जाछी और चरू छ अपन जानवरन के तो ये छोर मुड़िया काम छी विभगत रत्ता उड़वीर पन्ने पोस्ट गाड़ो गुट बठे गोबर और गौत सब साफ करो हाथ मुंह धोबेर कलेवा करबेर फिर अपन जानवर लिबेर गोरु बाछा बकार इन सब लिबेर जंगल तरफ जने भे जंगल तरफ गए फिर चराई दिन भर गीत गाई कभरी ढोलकी ले जाए अपन दगाड़ या कंटर ले जाए बजू छी जागरे प्रैक्टिस जैसे है जने भे कुछ दगड़ू और ले भे वहां उन्होंने दगड़ ली बातचीत भे तो जो एक एक औचारक स्वच्छंद जीवन छी बीतुणक अनुभव तरण कह भय जय कोई ले उत्तराखंड कई ले साहित्यकार के तो अनुभव बठे गुजरण मौक नहीं मिलने वालों और तो बहुत कठिन छू असली में यो अनुभव आप अप्लाई नहीं कर सकना तो ये अनुभव नहीं था ये अनुभव तो आप तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक रूप है ऊनी अगर ऊनी तो अगर न ऊना तो न ऊन फिर ऊन तुम जबरन भोग नहीं सकना तो चराई करने से जब ती जानवर के ले जाए थी तो जो बकार थी जो गुर थी वो सब उन और सब ना नाम थी तना तो धार लगो ना ठेप भंगिरुआ ठेप मंगरुआ ये उनर पढ़ला तुम अगर उनर जो आत्म वृतांत से 33 कहानियां भूमिका में तो वो तो असली में पढ़ने ज्यादा वो सुनो लैक्स हो अगर कोई जुरेल जैसे देवेंद्र जुरेल बोला और अब हम सुनते रहू तो अद्भुत आनंद भी मैं हूँ और आंखले बिल्कुल भरी होनी जब भी कहानी हुई 30 साल उम्र में अपनी जो गाथा उन्हें लिखी हुई हम जब सुन लू तो विभखत हूँ जंगल में अपन जानवर के ले जाए थी ब्याल के फिर चराबे लो छी हर जानवर के वापस नूर पड़े थी बागले हुए भी जान उन्हें बैठे रहे रक्षा करें फिर कभी फुर्सत है गए तल गाड़ गध्या नह गए नानी नह गए वहां बैठे मछले मानेर भे एक नान भाई एक नान बहन छी और दो तीन काग छी उन्हार एक काग उन्होंने पढ़ो में बल दिलचस्पी ली थी दुहार काग जो छी दुहार किस्मा छी वो बहुत ज्यादा उन्हार में रुचि नहीं ली थी तो ये मैं उन्हार करीबन 4-5 साल ये जीवन आख निकलते गए अगिन के ये संकटाक दौर में सबसे ज्यादा मदद जनल के करी उन्हें आम छी
तुमन के जेल दे तुम्हें मुख सरोवर के हंस किताब पढ़े होने ली मुख सरोवर के हंस उन्हें आपने आम के समर्पित कर रखी कि लेकिन आमाक मुखबठे उन्हें पेन बगत अपन लोक गाथान के अपन लोक कथान के सुनने को सौभाग्य मिलो और उन कहानियां उनरी उनर जो जैसे कुनी ना उनर जो एक उड़ान छी उनर उन्मुक्त उड़ान छी जो बाद में साहित्यिक उड़ान साहित्यिक रचनात्मकता में बदल होने ली वो अनुभव पेन बखत उन्हें अपन आम बठे सुनी हुई कहानी में है। फिर तो जगरी ऊंच अलग अलग जागरण गए छी ब्याल के बैठ बेर राग जगा बेर हुड़ुक बजा बेर उन्हें बैठे ले उन्हें बहुत सीखो जागरण बैठे वे अलावा जो रामलीला हो ची उन्हें बैठे उन्हें बहुत सोचो ब्यालन बैठे ले बहुत अनुभव आ महाभारत भी बखत जो संस्करण घर में मिलन याल हिंदी में लिखी हुई उन्हें बैठे उन्हें बहुत मिलो चंद्रकांता संतधि बखत उन्हें पढ़ी डाकू बहराम जास उतास किस्मा उपन्यास पढ़ी इन सब ने उनमें एक साहित्यिक रुझान और एक साहित्यिक जिसका गुनी उत्सुकता उनार मन में पैद करी। लेकिन सबसे ज्यादा मन में जो प्रभाव करना रहे वो उनोर बाड़े छिनाक परिवेश ची जमे किसान पश्चारक व्यापारी ये तीन मिला जुला रूप ची एक प्राइमरी स्कूल है गया कभरी कभरी पटवारी आ गए कभरी कोई सैब उठी गुजर गयो तो वही अनुभव है गए और दादी एक तरीके उनार वीक जीवनक केंद्र में थी। यही बीच उनार एक मासा थी वहां मिडिल स्कूल में उनका नाम थी लक्ष्मण सिंह तिलारा। जो लक्ष्मण सिंह तिलारा थी वो बहुत ही संवेदनशील शिक्षक थी और उन्हें सरेश बटियानी के देख बेर उन्हें कक्षा चार तक जब वो पढ़न झाली वक्त है उन्हें प्रतिभा देख बेर उन्हें मन में बार बार यो की ये तो होनहार यो बहुत ये एक स्कूल छूट गयो ये कसी का स्कूल आओत है उन्हें मना मुनुबे तनार काके ने मना और लक्ष्मण सिंह तिलारा जी मां साहब ने उन्हें फिर स्कूल लिया पांच पढ़ो उन्हें बाद छह में अल्मोड़ाक जीआईसी में जो राजकीय इंटर कॉलेज है अल्मोड़ाक वहां पढ़ने थे आ गया ये वही स्कूल से जब थे एक जमाने में मोहन उप्रेती ब्रजेन लाल शाह लेरिन पंत बीडी पांडे बीडी सनवाल ये सब तमठे पढ़वे निकले वही जीआईसी में डीडी पंत वही जीआईसी में जाना मौका हमारे सरेश दाजू का ले छह बैठे आठ बैठे मिलो और बाद में हाई स्कूल पास भई हूँ बहुत अच्छी प्रथम श्रेणी में उन्हें पास करो बहुत होशियारी बहुत अच्छी। लेकिन अलमाड़ जान में जो सबसे ठूल संकट भी हो भी कि जय काका दगाड़ अलमाड़ में रहू छी उन्हें लिए एक एक दोहरी एक शादीशुदा द्विनंदन वाली एक महिला दगड़ी ब्या करो वहां रहू छू और वहां उन्हें एक नई दुकान अपन कारोबार खोलो जय में हूँ एक गुचड़ो काम एक शिकार काटबीर बिछड़ो काम करें जी। तो शैलेश दाजू से उन्हें वादा यो ले रखी कि तो पढ़ाई में तू मेरे घर रह सकते है मैं खान पीन तुझे दूं लेकिन यो काम करना पड़ो तो रत्त है उठबेर उन्हें बाकोर काटबेर वी छापड़ी बढ़ाबेर वी के हाथ साफ करबेर वी खाल निकालबेर काटबेर टांगबेर वो तैयार करें फिर स्कूल जाने बे और ब्याल के लिए वो दुकान में बैठे एक नन भाई एक नन बहन दिया दी नन जी तीन अलमाड़ में कसी का अपन दिन काटन बैठ लेकिन मुश्किल बहुत है उन्हें रहते हैं कि लकी पढ़ाई के समय नहीं मिले थी और माहौल नीची घर में तो तरह और फिर ले वो अपन पढ़ाई उन्हें करी और जीआईसी बैठे उन्हें जैसे मैंने बताया कि अपन हाई स्कूल पास कर भी रू गई लेकिन लिखना की शुरुआत करी और लिखने शुरुआत में जब अपन क्लास फेर वगैरह दगड़ बात करें जी तो बहुत टॉन्ट कसे हुई है लोग वो पूछ की ना अरे वो क्या बोलते हैं जुआरी का बेटा और क्योंकि ये भूचड़ बकरी वाले भूचड़ वाले का भतीजा तू कैसे लिखेगा वगैरह वगैरह ऐसे उसको उन्होंने बहुत सुनो लेकिन वो सुनते रहूँ और अपन काम ले करते रहूँ। जो नान भाई थी वो रामजे इंटर कॉलेज आग भैर बैठे चूरण एक और मुखरी दुकान चलू और वो बैठे जो कम हो ब्याल के आप में आ जाए। अब सबसे बड़ी मुश्किल यो है कि जब ले अपन लिखना काम अपन शिक्षकन दगड़ी अपन दगड़न दगड़ी बटन चाह छोड़ चाहिए तो उन्हें उलाहना बहुत हो अपमान बहुत हो जी लेकिन वो सब सहते रही हूँ एक तरीके उन्हें जो वर्ण प्रक्रिया थी वो ये दगड़ दगड़ चली स्कूल बैठे कक्षा दस तक ले पास भई दुहार जो सामाजिक अवमानना थी उन्होंने एक दंश ले उन्हारे मन में बार बार आते रहे हुई दौर में जो काक्षी उनार सुंदर सिंह जो उन्हें बहुत मदद विभक्त पढ़ने में करी और जब पढ़ पुड़ बेरू हाई स्कूल में गई वे बाद उन्होंने लागो की यो अलमाड़ उन्हें थे आप बहुत ठीक जागना हाँ और टोंट सुनते सुनते बहुत परेशानी हो गई बिशनवा जुआरी का बेटा शेर सिंह बूचड़ का भतीजा आदि आदि जैसे उन्हें लेकर को टोंट उनके छोड़ो तुम कहा मतलब साहित्यकार बन सकती हो ये वो फलाना
ये बहुत है संकटक दौर में, एक तरीके से अवमाननाक दौर में, और ये कहो कि एक एक ये मन में इतना क्रोध उनार गुस्से उनार मन में सी, एक रचनात्मक गुस्से उनार मन में सी, उन्हें को या शहर में मैं क्या ही रहूं, और उस शहर छोड़ गए वहां बैठे निकल गए। मन में यूले मलाल रही हो कि मैं आप नना नन भाई और बहन के छोड़वीर लाग रही हो, ननी ना झगुल पैरी हुई बहन और राम जी इंटर कॉलेज जाते हार बैठे मूंगफली और चूरन बेच रहे भाई के छोड़वीर निकलन के, क्योंकि बहुत उनके बहुत बुर लागो, लेकिन घर बैठे वो निकल गया। अगर तुम उन्हारी आप ये अलमार बैठे निकलने बाद उन्हारी यात्रा में जाओ, जो लंबी कहानी छो मैं उतु विस्तार जानो एल मौक नहा समय नहा, बाड़े छन बैठे वो अलमाराइन, अलमार बैठे फिर वो दिल्ली ही भाईजीन। दिल्ली जब ज्ञान हूं तो दिल्ली में एक उन्हार प्रकाशक थी, एक दगड़ू थी ओम प्रकाश जी के, उन्हारिया ज्ञान तो बहुत ज्यादा वहां बैठे मदद नहीं मिल पाई, नौकरी मिल ना पाई उन्होंने, उन्हें तो यूले को कि कोई भान मान के नौकरी से कोई ले नौकरी से करने मैं तैयार छू, ताकि मैं समय निकाल भी अपन लेखन कार्य ले जारी रख सकू। अब जब दिल्ली में तो नहीं भी हो तो वही वक्त उन्हें फिर उन्हार एक जो कोई वकील साहब थी उन्होंने मुजफ्फरनगर गई और वहां क्या नहीं कर उन्हें कि क्या नहीं धोया मैंने और क्या नहीं किया उस घर में, वहां बैठे फिर भाज गई, वहां बैठे फिर बम्बई गया। बम्बई उन्हार जो अनुभव थी वो उन्हें पर प्रवीण जी बोलाल विस्तार बम्बई कुछ देर उन्हें जो जीवन गाथा थी उन्हें पैन बार पहाड़ बैठे भैर कथु कठिन जिंदगी छन। बम्बई जैसे जबरदस्त संपन्न सहरा भतर कथु गरीबी कथु जलालत और कथु अभाव और कथु विरोधाभास छन, उन्हार उपन्यासन में ले हूं और उन्हार अनुभव में ले हूं, और कोई ले बम्बई जा तो देख सका हूं कसके जीवन कटा कसके क्यों। फिर बम्बई बैठे फिर दोबारा फिर बाड़ी छिन आई नू फिर बम्बई गई, फिर जब वापस लौटी तो ब्याह है गयो या नीला भाभी दगड़, फिर अलमाड़ में कुछ समय रही, फिर अलमाड़ छोड़ भी दिल्ली गई, फिर दिल्ली में ले मन लगी और दिल्ली बैठे जाने ये दिन अंतिम है गयो चुनार सुबह है गए और चार दोहर एक चोल है गई उठे, फिर इलाहाबाद गई और इलाहाबाद एक तरीके से सबसे ज्यादा रही हूँ, सबसे ज्यादा रचना इलाहाबाद में उन्हें, लेकिन प्रतिपक्षक संपादन वहां बैठे उन्हें, विकल्पक संपादन वहां बैठे करो, जनपक्ष संपादन उन्हें वहां बैठे करो, और बहुत सारे किताब उपन्यास लेख संग्रह वगैरह वगैरह वहां बैठे, निबंध संग्रह वहां बैठे छपिन उन्हें। लेकिन अंत में जब उन्हें चालक मृत्यु है चलो एक गोली कारण कोई षड्यंत्र में मारी हो वीक बाद बहुत टूटी और फिर हल्द्वानी आई, और बड़ी मजेदार बात थी कि हल्द्वानी जब विक्षिप्त अवस्था में छी वी दौर में हम एक बार उन्हें 70 साल मनोन चाचा जैकते हैं उन्हें सहमत ले दी, लेकिन 70 जन्मदिन उन्हें पहने उन्हें मृत्यु हो गए, तो फिर हमें एक दोहर तरीके एक कार्यक्रम करो और पहाड़ों के एक अंक जो छू 13 अंक जो छू शैलेश राजू के समर्पित कर दे हमें वक्त निकालो छो 2001 लेकिन हल्द्वानी बैठे ले हूँ दिल्ली जब चेकअप एक्ट में गई तो अंत में मृत्यु उन्हें वक्त दिल्ली में भेज, तो ये एक मोटा माटी उन्हें जीवन का था एक सिलसिला छू जो किन किन शहर कह के शहर में हूँ वी दौर में रही। अब जब हूँ दिल्ली गई और दिल्ली बैठे फिर हूँ फिर दिल्ली में जब हूँ दिल्ली बैठे जब हूँ इलाहाबाद गई तो वी वक्त बहुत रोचक बात यो है कि शमशेर बहादुर सिंह युद्धगढ़ उन्हें मुलाकात है, और जो जयप्रकाशक आए शमशेर बहादुर सिंह जी पत्रिका में काम करे थी वी जो चिट्ठी लिखे जो शमशेर बहादुर सिंह है लिखे तो उन्हें शैलेश राजू की रचनात्मकता बैठे हूँ परिचित थी और बहुत मदद में उन्हें आई उन्हें इतका उतके लिए भेजो लेकिन वहाँ काम न चल उन्हें, अंत में वो फिर वहाँ बैठे ले एक बहुत लंबी कहानी थी उन्हें कतु अनुभव व्यान कैसके रियान इतके रियान उतके रियान भैर रियान गिरफ्तार व्यान फिर कैसके हूँ मुजफ्फरनगर ज्ञान, तो एक लंबी कहानी छू। बम्बई जब वो पूजी तो शैलेश दाजू जय होटल में काम करें तो वी होटल में चाह पीने था कभरी कभरी हमारे देवेश ठाकुर जी हूँ वी वक्त पी एच डी करवीर ता एक कॉलेज में अध्यापक है गयी। अब उन्हें देखो कि एक लौंड पहाड़ों जो लौंड दिखी रही और जबकि बम्बई में पहाड़ा लौंड भानमजो रूप में नहीं दिखी थी ज्यादा वहां दक्षिण भारत लिख रही थी देवेश ठाकुर जी ने, तो उन्हें जान बखा चाह पी पे जब वो भैरे गई कॉफी आवाज उठे तो उन्हें पूछो तुम कहाँ के हो, उन्होंने कहा कि मैं तो पहाड़ से हूँ, उन्होंने कहा मैं भी तो पहाड़ से हूँ कहाँ से हो पहाड़ चुना का, तो शैलेश दाजू कहने हुनियाल बीस कमे उंगारा हुनियाल उन्हें को कि मैं बाड़ी चुनो छू उन्हें को मैं रण खिता करी बहुत हूँ, तो तरह उन्हें देवेश ठाकुर से गई मुलाकात है गए रचना एक दो दिखी, तो शैलेश देवेश ठाकुर अपने संस्मरण में लिखी छो पहाड़ा अंक में कि मैंने बता भी मेरा दो किताब छप गई और जो करूँ वो करूँ पी एच डी है फलाण करी,
जब एक दिन में फिर पूछा हुई थे कि भाई तू आप कुछ रचना सुना, तो उन्होंने एक कविता सुना, तो देवेश ठाकुर लिखने की, मैं वो कविता सुनी बाद में जो लागो की मैं तो कभी छू ही न, जिस रचनात्मकता जिस गहराई इन रचनान में छ गद्य में या पद्य में, उसी थी मैं दूर दूर तक नहा के उन्हें लिख रही थी। फिर बाद में फिर वहां बैठे हूँ आगे। खैर बम्बई को उन्हारा अनुभव जो थी उनार जीवन के जबरदस्त तरीके प्रभावित करने रहा। तो उनार जो अगर तुम जब उनार उपन्यास और कहानी के पढ़ छा में जो भाषा की जो अलग अलग अर्थ देखेनी, भाषा की जो अलग अलग मिजाज देखेनी, वे देखे अंदाजे न उनकी जो कोई बाड़ी छिनो रुनेर कुमाऊनी भाषी भाषा भाषी सरिस मटियानी छन के बिल्कुल पात्रा अनुसार कहानी अनुसार बिल्कुल भी भाषा बदल जाए। और एतुक तरह भाषा यानी कि हिंदी के तो वैरायटी उनार उपन्यासन में देखें जय पर हमार और दोस्त लोग जिगर डालाल, लेकिन वो भाषा जो विविधता जो छो अभिव्यक्ति जो ये विविधता छो हिंदी जो अलग अलग मिजाज छन उनके सुसंपन्न करण में बम्बई कुन और जीवन का अनुभव ले बहुत ज्यादा एक तरीके महत्वपूर्ण रहे। और ये वक्त उन्होंने बोरी बटे बोरी बंदर तक और बहुत सारे उपन्यास वगैरह वगैरह लेकिन ये 53 सन है बात, तो 43 सन बटे लीबेर 56 सन तक जो उन संघर्ष थी वो बहुत जबरदस्त तरीकों का संघर्ष थी। और उनमें एक प्रकार उन्होंने ली एतुक तरह का अनुभव प्राप्त करें गौक एक चिकुनी छोर बुरिया एक बाकार चरुनेर गुर चरुनेर एक किसान और चोलो जोस एक माछमानेर फिर स्कूल में मासा पकड़ लिया फिर अलमाण है गया फिर पढ़ लिख गया अलमाण में ले बहुत अवमान अपमान सही ये बात फिर बैठे फिर भाज बहारी फिर इलाहाबाद का अनुभव दिल्ली का अनुभव मुजफ्फरनगर का अनुभव बम्बई अनुभव फिर वापसी फिर जाना यो सब अनुभव ने ली यो दरअसल उन्हार विश्वविद्यालय यो ही थी जहाँ बैठे उन्हें मनुष्य जीवन का अलग अलग चित्र और अलग अलग स्पर्श जो उनके ग्रहण करो। अब जब शैलेश बटियानी इलाहाबाद अंततः पूजी यानी कि हल्द्वानी उन्हें पन्ने जाऊं और सबसे लंबे समय तक जाऊं रही वहां वो चाच की वो पूरी तरीके अपन लेखन पर निर्भर रहन और अपन परिवार के अपन बच्चन के अपन लेखन पर अपन लेखन बठे अर्जित जो कमाई छो वील पालन पोषण शिक्षित करण यो उन मन में बात और उन्हें करबेले दिखा उन्हें। और हिंदी में ये बहुत मुश्किल काम छे कोई लेखक नौकरी करना है इनकार करो मदद लेना इनकार करो पुरस्कार लेना है इनकार करो ग्रांट लेना इनकार करो कई सेठाया नौकरी करना इनकार करो यो बहुत मुश्किल उदाहरण हिंदी में मिला। बड़ बड़ ठुल ठुल जो हिंदी के नामी लोग चल वो अंततः जो है प्रतिष्ठित जो सेठ संस्थान छन उन्होंने नौकरी करने थे विवश हो जाने। बहुत सारे साहित्यकार तो विश्वविद्यालय ना कारण जो छन जीवित रहा और विश्वविद्यालय ने एक तनखा कारण अपन रचनात्मकता कर सकी तो उनार जीवन में वो वाल संघर्ष सदा जो थन अनुपस्थित रहूं जो शैलेश बटियानी जीवन में तुम्हें मिला। तो इलाहाबाद में उन्हें सबसे ज्यादा तरह काम करो हालांकि वो कभी फुर्सतल कोई पूर्ण उपन्यास न लिख सके जो अंत तक पहुंचने की एक बार वो अशोक होटल में हमें मिल बहुत ये सन मेरे ख्याल 1998-99 बात होने ली तो विज्ञान जरा विकसित ले है एक दिन आई तले अशोक होटल में हम मिलने गया हम राजीव और हम बैठी छे नजार एकदम से बैठी कि ऐसे सपने देखता हूँ आजकल कि रघुवर आ रहे हैं यानी कि राम आ रहे हैं और रथ से उतरे और मुझसे कहने लगे ऐसे किस्म की बातें भी वो उस जमाने में करते थे। विज्ञान उन्हें बहुत पुराण साहित्य वगैरह ले पढ़ सकती थी और वो पढ़ी हुई साहित्य और विकसितता मिल बेर उन्हें विभक्त की जो भाषा मुहावरा थी वी में प्रकट हो थी। फिर क्या वक्त है वो नॉर्मल है जाए बातचीत करें जी एक भी वक्त हम राउंड द लेग हमें करो तो भी मैं वो दुख सुख आप वहाँ जो ठंडी रोड से भी मैं उन्हें आपूर्ति बना घोर अनुभव वी वक्त सुनना थी लेकिन क्या वक्त है एकदम एबनॉर्मल हो जाए। तो इलाहाबाद में कभी जी उन्हें फुर्सतल कहीं उपन्यास के रिडाइट कर बेर उनके ज्यादा परिष्कृत कर बेर दृढ़ मौके लाए पन्ने लिखते रोज 10 पन्ने लेख प्रकाशक प्रेस में ले गए 10 पन्ने लेख प्रेस में ले लिए तो बहुत ही हापा एक तरीके लिए बहुत ही जैसे कुनी की एक कभले आप रचना के निखार दृढ़ उन्होंने मौक न लाए
शुद्ध लिखे जो और रोई में वो पत्रिकान में या किताबा रूप में वो छप जाए। और उई दौर में उन्हें लिए अपन आजीविका के लिए कुछ काम करी, जैमें उन्हें जब विकल्प निकाला तो विकल्प में उन्हें दुई राशि, एक ही राशि की जो विज्ञापन मिला वही अपन गुजारे कर लिया। दो यो थी कि हिंदी में पत्रकार फूल पत्र बहुत अभाव थी, तो उन्हें सोचो कि एक साहित्यिक पत्रिका लिए एक शुरू हजार बड़ी और उसमें हम अपन हिंदी साहित्य और विश्व साहित्य चुनी हुई चीजें के लोगों काम करूँ और उसमें उन्हें करो। बाद में उन्होंने जब विकल्प बंद होने स्थिति आया तो भी बखत उन्हें जनपक्ष निकालो। जनपक्ष लेख ले तुम अगर देख ला, एक है एक बड़ी लेख, इकले है इकले निकली में उन्हें। जनपक्ष में बहुत सारे लेख उन्हें अलग अलग नाम लेन हुई और आप ही लिखी हुई, यानी कि एक पूरा अंक जो छो शैलेश मटियानी अलग अलग विधान में लेख लिख बेर उके बढ़ा दी, तो योगदान ने उन्हें इलाहाबाद बैठे दिए। लेकिन वो जीवना अंत में बहुत दुखद अनुभव बैठे वो गुजरीन। जो शैलेश मटियानी जीवन में कभी न टूटी, वो अपने जीवन अंत में एकदम टूट जाती है चालक मृत्यु बाद, और जो मकान वाली प्रॉब्लम है उन्हें हाउसिंग बोर्ड विवाद एकदम से उन्हें विकसित अवस्था बढ़ गया और वही विकसित अवस्था में वो हमारे बीच बैठे रह गया। लेकिन उम्र वाले समय में जबले हम उन्हें याद करूँ और सदा हम उन्हें याद करूँ और जबले उन्हें हम याद करूँ, एक अप्रतिम कहानीकार रूप में, उपन्यासकार रूप में और एक यश मनुष्य रूप में उनका हम याद करूँ, जनल कभले पराजय स्वीकार न कर और जनल सदा अपनी आजादी, अपनी उन्मुक्तता और अपन जैसे कुनी एक लेखक की हैसियत से जो जो जैसे कुनी अपने आवाज जो छो पीके कभले मंद करण है इनकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, और अब मैं प्रवीण बिष्ट जी उठे अनुरोध करूं कि मटियानी जी उपन्यासों के माध्यम में पहाड़ के अगर हम जानन चाहना और जैसी कुनूल पहाड़ के अपन उपन्यासों सामने रखो दुनिया के सामने, तो वही बार में थोड़ा प्रकाश डाल के प्रवीण चंद्र बिष्ट जी उठे मेरा अनुरोध छो। हाँ सबको अभी पहले की अभी अमेल की बहुत बड़ी समस्या छू, बहुत लंबे समय बटी मिल कुमाऊनी में बातचीत नहीं होना मिल बहुत गलती हाल माफ करिया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं कुमाऊनी में ही मैं अपना बात रखूँ और जितना संभव हो तो कोशिश कर लूँ, क्योंकि कोई बातचीत करना यहाँ माहौल है कोई तो जैविल रोज बात नहीं होना भी कुछ गड़बड़ है जगह। तो सबसे पहली मैं मेर पहाड़ मेर पहचान नामक ये मंच सभी सदस्यों को तहे दिल धन्यवाद दे दूँ कि उन्होंने शैलेश मटियानी जी पर इतना सुंदर आयोजन करो, और मुझे बहुत खुशी है जब मेरी ये बात सुनी कि इस तरह का ये ढंग आयोजन होने वाले सुनी, तो जब उन्होंने ही बात करी तो मुझे बहुत खुशी है। और अब शैलेश मटियानी जी के जीवन पर यदि बात करण बात पूछो जो पहले तो यह छो कि एक साहित्यकार विषय में बात करण और वीक हर पक्ष पर बात करण बहुत मुश्किल काम छो, और वी बात शैलेश मटियानी जी साहित्य पर ये तो बृहद साहित्य उन्होंने कैनवास तक बढ़ो छो कि पहाड़ में लिवे मुंबई तक पूरा परिवेश उसमें जदु शहर बीच मुनी जदु राज्य उन्हीं लगभग लगभग उन्हें संस्कृति उन आगे बढ़े और उन्हें तो पहाड़ में ही पर या मुंबई तक जो जीवन छूना वो भी विषय में पूरा तरह बात करना ये बहुत मुश्किल काम छू, और हम तो तुरंत कोशिश करो कोई ना कोई पक्ष उन्हें छुट्टी जा। तो अब ये जैसे पाठक जी तो बता कि उन्होंने जो लेखन नींव पढ़ी वो उनकी लोक कथा जो उनकी माँ दादी ने उनको लोक कथा सुनाई वो लोक कथा उन्हें लिखना नींव में पढ़ी हुई थी, लेखक की नींव में जो उन्हें ईट पढ़ी हुई थी ना वो दादी द्वारा सुनाई गई वो कथा ईट थे ना जिन्हें पर उन्होंने साहित्य महल तैयार करो, यह बहुत बड़ी उपलब्धि। अब हम घरों पर
निकला नंचना याद चुकी पास पड़ोस में हम यार जो आम उची और ठंड दिनों में सगड़ जगह भी चारों तरफ हम लोग बैठ सी और फिर कहा कथ सुन सी तो वो कथा प्रभाव मटियानी लेख मटियानी की लेखन में बहुत गहराई तक पड़ी छू तो जो उन्होंने खुद स्वीकार कर रखी तो यह बात है उन्होंने खुद स्वीकार कर रखो कि यह दादी का योगदान मिली थी और सब कुछ सिकरा हो गए। तो अब जब हम इन उपन्यासों बात करूं तो इन उपन्यासों में बहुत ज्यादा व्यापकता छू और इन उपन्यासों संबंध में भी एक बात आई मतलब इन प्रतिभा संबंध में बताना चाहूँ कि जैसे पाठक जी बात करी कि देवेश ठाकुर जी बात करी मुंबई में जो रोनी है उनर वो बतूनी हम कि जब हम मिलना उन जगह बैठना तो बतूनी की शैलेश मटियानी जो थी पैदाइशी प्रतिभाशाली थी। उन्होंने 2001 में समीचीन अंक निकालनी है उस समीचीन अंक का 2004 अंक में वो लिख रहा था ऐसी प्रतिभा लाखों व्यक्तियों में से किसी एक में होती है। जो शैलेश मटियानी जी में जो प्रतिभा थी वो लाखों व्यक्तियों में उठी कोई एकाध व्यक्तियों में यह प्रतिभा मिलनी और वो बार बार ये लोग कुनी हम आज लगनी यह चीज को सहस्त्र स्वीकार करनी जबकि 60-70 किताब लिखे ली उन्होंने और खुद उन्होंने 22-23 उपन्यास लिखे ली भी बार लोग कुनी की जस प्रतिभा शैलेश मटियानी जी में थी। उन्होंने पैदाइशी लेखक थी हम लोग पढ़ पढ़ के लिखना सीखो लेकिन मटियानी जी जो थी वो पैदाइशी लेखक थी और उन्होंने भाषा बारे में बहुत प्रशंसा वो करनी कि ऐसा मजी हुई भाषा उन्हें वो भी बड़ी प्रशंसा करनी तो एक इतना फुल लेखक और इतना बड़ा साहित्यकार बहुत जब इस तरह हमारे दूसरे साहित्यकार प्रशंसा करो सहस खुले दिल करो तो यह अपने भी बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह शैलेश मटियानी जी कोई ना कोई ऐसी यह ऐसी मतलब भूमिका ये आधार बना साहित्य क्षेत्र में जयविल हर व्यक्ति उन्हें प्रशंसा करना भी पिछाड़ी नहीं रह सकता तो उन्हें प्रशंसा अवश्य करनी। तो अब मैं उपन्यासों की बात करूँ यदि तो उन उपन्यासों को मिल तीन हिस्से में बांट रहा हूँ। एक तो पहाड़ी जीवन पर उपन्यास लगभग 10 उपन्यास पहाड़ी जीवन पर छ जिमें चिट्ठी रसायन एक छु हौलदार छू नागवल्लरी छू उत्तरकांड छू मुख सरोवर के हंस भागे हुए लोग उगते सूरज की किरण एक मुठ सरसों चौथी मुठ्ठी और गोपली का पूरण यह उन्होंने पहाड़ी जीवन पर केंद्रित उपन्यास छन और उन्होंने मुंबई पर केंद्रित उपन्यास जो विशुद्ध रूप मुंबई पर केंद्रित छन वो उपन्यास 5 छन जमी बोरीवली से बोरीबंदर तक कबूतर खाना किस्सा नर्मदा बाई दंगूबेन पुनर्जन्म के बाद 52 नदियों का संगम ये उन्होंने मुंबई जीवन पर केंद्रित मुंबई बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन या व्यतीत कर रहा हो जय लेखा जो था यदि हमको एक जीवन कैसी जी जा और विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से कैसी हम विषम परिस्थितियों में होना बावजूद ले हम आपको कंट्रोल में धरवे मतलब अपन इंद्रियों को कंट्रोल में धरवे हम कसी आगे बढ़ सकनो यह यदि हम सीखना चाहते हम शैलेश मटियानी जी इन उपन्यासों को पढ़ जाए कि विषम से विषम परिस्थिति में उन्होंने कसम खरा जैसे पाठक जी ने बताया कि उन्होंने बचपन में कसम खा जब कुछ बुद्धिजीवी उन्होंने दुकान आगे में जाना थी उन्होंने कहते कि सरस्वती का कीमा काट रहा उन्होंने सुन दे बात और भी रात उन्होंने दीवार पर सर पटक गए उन्होंने कहा कि हे सरस्वती माता कतुगल कष्ट है जो मेरे जीवन में कतुगल कष्ट है चाहे मैं भूखे मर दूं लेकिन मुझे एक दिन लेखक तो वो जो लेखक बने उन्हें इच्छा थी और उन्होंने संकल्प जो ले और जीवन में सच में उनको ये तो कष्ट आई जब मैंने लिया उन्होंने उपन्यासों पर रिसर्च करा तो मैंने उस समय
जब ना उपन्यास पढ़ी तो एकदम जैसे ये अमर मेवाणी जी बता कि पढ़ते पढ़ते रोना दाढ़ मार ऐजनी है वो कष्टों को देख बेर वो तकलीफों को देख बेर और उनर उस परिस्थिति को देख बेर अब और उनके लिए एक सहारा मिलते साहस मिलते हम कि जब यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जब इस तरह यह ढंगल जीवन जीते हुए आगे बढ़ सकते हैं फिर हम किले नहीं बढ़ सकते वो तो मेली जी तो बहुत ही ताकत इन्हें उपन्यास में दे और जीवन में आगे बढ़ा आज में झूले मैं वही श्रेय शैलेश भटियानी जी के दिनों क्योंकि उन्हर साहित्य की पढ़ी बाद मम्मी को जो ताकत मिली वो सच में अद्भुत ताकत थी तो ये उनके बहुत ही दर्दनाक स्थितियों को उन्होंने इन्होंने वर्णन कर रहा था मुंबई शहर में जो जीवन व्यतीत करो और भी बाद जो कुछ दिल्ली और भी आसपास इलाहाबाद आदि जो क्षेत्रों में उपन्यास उन्होंने लिखी दो फूट जल कोई अजनबी नहीं बर्फ गिर चुकने के बाद छोटे छोटे पंछी आकाश कितना अनंत है सवितरी डेरे वाले चंद औरतों का शहर अर्ध कुंभ की यात्रा मुठभेड़ जल तरंग मंजिल दर मंजिल मुठभेड़ और रामकली उपन्यास हो जो दिल्ली और आसपास इलाहाबाद कह लो और आसपास जो भी जलो जुलो उन्होंने लिखी वहां संबंधित जो उपन्यास है तो इस ढंग हम उन उपन्यास को तीन हिस्सों में बांट सकूं और वो आधार पर हम आगे बात कर सकूं तो अब यहाँ मेवाणी जी होगी अब हम जो बात करन सन वो मुख्य रूप हम जो पर्वतीय क्षेत्र पर केंद्रित उपन्यास है थोड़ा उन पर बात करी जाओ अब हर उपन्यास पर मिले संभव है बात कर सकूं लेकिन कुछ हम कोशिश कर लूं और कुछ चीजों पर बात है सकूं तो एक तो ये है जो चूंकि उन्होंने जो परिस्थिति झेली जो आर्थिक अभाव उन्होंने देखो आज ले हमारे पहाड़ में वो समृद्धि है आज हम पहाड़ में हम वो आर्थिक अभाव हमारे पहाड़ जूझण तो वो आर्थिक अभाव जीवन में हूँ जो मनुष्य का आगे बढ़ा रोक दे लेकिन शैलेश भटियानी जी वो आर्थिक अभाव उनको कोई आपत्ति नहीं होती जो उन्होंने लक्ष्य बड़ा राख सी बल्कि यहाँ तक कि वो ओनर ये एक बार लक्ष्मण सिंह जी बात करी अल्लाह उन्हें जो गुरु जी उन्होंने प्रतिभा पांचवी में जी समझ गया जब वो स्कूल उन्हें छूट पड़ा और उन्होंने स्कूल छूट गया जब उन्होंने देखा कि वो बगार झांसी और स्कूल बगल में भैवे जे पौनी शिक्षक को सुन सी तो उन्हें जो ये लक्ष्मण सिंह गोलाकोटी जी थी उन्होंने ऊपर बड़ा प्रभावित हुई रोज वो जब सुनिया जब उनको एक दिन बुला और उन्होंने बातचीत करी तब उन्होंने उस इच्छा शक्ति के देखते कि कौन वो सारे हो रहा हो अगर तुम्हें झूठे बर्तन घिसने पड़े औरतों के घाघरे धोने पड़े और पड़े तो भी विद्या प्राप्ति के महत्व लक्ष्य से विमुख ना होना तो ये जो बात उन्होंने कही गोलाकोटी जी कि ये औरतों के घाघरे धोने पड़े झूठे बर्तन धोने पड़े वो सारे चीज जो अपने जीवन में यह घटित हो और उन्होंने आप गुरु यह बोले है सब उन्होंने आप गुरु को संकल्प जो उन्होंने लिवर आखी उन्होंने एक साधना उन्होंने आगे बढ़ा और भी आधार पर उनके जीवन में उनको यह सब काम करना पड़ी जो उन्होंने उल्लेख कर रहा हो तो और हम पहाड़ के बारे में जब हम बात कर लूं तो वहाँ परिवेश बहुत सुंदर वर्णन करा हो वहाँ घर परिवार स्थानीय वातावरण प्रकृति सुंदर वर्णन होना साहित्य में हमको पहाड़ों अलग अलग पहाड़ किस तरह कांक के पौध पेड़ पौधा आदि का सारे वर्णन मिलनी नदियों वर्णन मिलनी वन गांव नगर खान पान वहाँ रहन सहन आदि का बहुत ही विस्तार उपन्यासों में हमको वहाँ रीति रिवाज जो वहाँ संस्कृति जो थो वहाँ जो त्योहार आदि हमको पहाड़ी उपन्यासों में वहाँ पूरा जीवन हमको देखा मिलो और बतौनी कि उन्होंने उपन्यासों में लिख रहा हो
यदि उन संस्कृति बात करी जाओ तो उन ग्रामीण संस्कृति उन भीतर एक प्रभाव बहुत गहराई उन जीवन में पड़ी छो जय भी नो एक हमर जो पहाड़ी संस्कृति छो आज हम पहाड़ आदमी जब बहर हूँ तो वो ये सारी ये चीजें की जानी जा कि यह विश्वास वाला आदमी छू और यह धोख नहीं दी सकती तो ये जंगल पहाड़ी पहचान है और यह उनमें विद्यमान छी यह गुण उनमें छी यह उन पहाड़ यह परिवेश को उन्होंने धर रखो और यह भी उन वहाँ संस्कृति वहाँ व्यवहार कुशलता आतिथ्य सत्कार करुणा सौहार्द प्रेम आदि वहाँ जो उदात्त भावनाएं हैं लोगों छन उन सब को उन गुणों को उन साहित्य में समेटना प्रयास कर रखो तो भी बात ले वो आई एक जो स्वीकार करनी कि मैं तुम्हें तो गरीब जनता लेखक छ और गरीब जनता जी लिखनो गरीब जनता जनता जस मिल रो छो और तब मैं गरीब जनता दिले बातों को लिख सकनो यो जब तक यदि मैं सुखुल सुख भोगते रहो और गरीब जनता बात कर लो जब वो उन्होंने में न्याय नहीं कर सकन यह बात कर उन्होंने स्वीकार कर रखी यह बात प्रकाश मनोज जी जब उन्होंने मृत्यु बाद 2001 में जब उन्हें मृत्यु है भी बाद ये पत्रिकाओं अनेक पत्रिकाओं में और हाँ आदमी या बतो एक बात और बतौना सी मिले जब मैं जनवर पर पीएचडी करने सोची तो मैं उभ तक केवल मटियानी जी का केवल नाम पढ़ रहा थी हिंदी साहित्य इतिहास में और ज्यादा एक भी कहानी पढ़ रहा थी तो जब मैं गाइडल भी ही कहूँ कि शैलेश मटियानी उपन्यासों पर नहीं उन पर काम करोगे और यहाँ तो कोई मैटर भी नहीं मिलेगा मुंबई में मिल वही कहते चुपचाप मिलको पहाड़ा सी मिलको बिल्कुल कर लू और स्वीकार कर विवाद मिल वहाँ लाइब्रेरी को छाना शुरू करो तो मैं जब वहाँ एक महात्मा गांधी लाइब्रेरी छू वहाँ जब कोई वहाँ कम से कम 35-40 पत्रिका वहाँ उस लाइब्रेरी में होनी महात्मा गांधी प्रचार सभा करके वो लाइब्रेरी है तो वहाँ भी एक मेंबर सी तो वहाँ जब मिल वहाँ लोगों को कि अब मेरे एक काम करो 2001 से तुला पत्रिका से सब मेरे लवे दी थी तो वो लोगों पुराना पत्रिका निकाली 2001 से तुले सी इन्हें मृत्यु बाद और भी बाद में सब मैं साड़ में धर दी मिल जब देखो जब हर पत्रिका में मिल देखो कि यह आदि शैलेश मटियानी जी छपी हुई है और जब मैंने उम्मटी नोट्स निकालना शुरू करो एक महीने अंदर मिल 300 पेज उम्मटी नोट्स निकाल दी तो पूरा मतलब यह चूंकि वह कैलले उनको छोड़ रहे हैं वह तक भी यह नोट कर रहा थी जब उन्होंने प्रकाश मनोज जी तक बातचीत कर रहा थी और वो बात उन्होंने कहा कि मैं जनता लेखक हूं जनता लिखी लिखूं और जनता जैसा रूल और जनता के सेवक हूं तो तब मैं उम्मीद यह संघ ऐसा हो अब देखिए जब हम अगला बात कर लो कुमाऊं अंचल प्राकृतिक परिवेश से बात करनी तो प्राकृतिक परिवेश है वहाँ संवेदना से वहाँ नदी पहाड़ आदि यदि हम यो चिट्ठी रसायन में देखो खान पान वहाँ छू तो जब हम उम्मीद देख लो जो भी यह चिट्ठी रसायन जो उपन्यास सुनर उम्मीद हमको व्यापक रूप में यह चीज देखने मिलो अब वहाँ एक और संवेदनशीलता अब उन्हें एक उपन्यासों में और एक विशेषता हम देखे मिले कि वो उपन्यास जो है जब शुरुआत होती है उन्हें उपन्यास हुई और अंत जब अंत का भी उन्हें उपन्यास हो नकारात्मक अंत है हर जग उन्हें उपन्यास में सकारात्मक अंत है मतलब आशावादी और जीवन में आशावादी पता बहुत जरूरी छू आप मिल जो महसूस करो मेरे उन उपन्यासों में आशावादिता दिखाई दी और यह मैं ये नहीं पुणी जैसे देखो अभी मैं उपन्यास ये बात कर लू चिट्ठी जैसे ने बात कर लू तो ये भी अब जो नाथू हलदार है उन्हें भय अब हम पहाड़ में ये परंपरा रही है जो ये नहीं उन्होंने जो ये आर्मी वाल जो हलदार है और ये नाथ को हलदार छन वो मिले चिट्ठी रसेन मिले नाथ को हलदार ले करो अपने पहले पहुंच में छी तो ये पहुंच कल्चर तो हमारे पहाड़ में छने छू ये लगभग लगभग कुछ घरों को छोड़ दी जाओ तो सब घरों हमको कहने कहने फौजी मिल ही जाए यो हम पहाड़
एक विशेषता छू। तो उन्होंने वो पहाड़ उन्हें भय जब वहां गुजर पड़ो वो बीच में जो चिट्ठी उची हुई वो चिट्ठी छेणी उची रमौती है। अब रमौती विचार पड़ी लेकिन जी देखो शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करी कि एक औरत को यदि हम शिक्षा नहीं देना जब भी के दुर्गति है, एक चेले को शिक्षा नहीं देना जब भी के दुर्गति है सके आगे। तो वो पीताम्बर पंडित जी जो पत्र जो चिट्ठी लो काम करती पोस्टमैन काम करती वी ही पढ़ो यहाँ पत्र आप पति ने चिट्ठी भेज रहा की शैन भी ही पवन है चिट्ठी वी विल करी भी उन्हें पढ़नी है और गर्भवती है जे। तो बाद में जब वही कहे तो आप यो स्वीकार कर यो अपराध कर तो ना कहे तो अब लोग लाज डरल कि कर ले आत्महत्या करने भी सोच ले और पनार नदी जो पास है वहां कूड़ मार दिए दूर बे नाथू बोलदार होना चाहिए जो चाट चूसी वहां आज भी उन्होंने कहा कि ये तो कोई कूद वो ये दौड़ भी गई वहां उन्हें पानी में कूदी और वो निकालो तो दिखो नरी को आ रही। तो जैसे तैसे घर ले आए वो समझा वो कसम दिलाई कि तू ऐसा कोई कदम नहीं उठा ली चाहे जिला हो फिर बाद में चलो कि यश स्थिति छु। तो बाकी तो गुमान सिंह थोदार सिंह वहां वो खुद है वो अब नाथोलदार है जब बतौल लेना चाहना चाहिए तो उन्होंने पंचायत बैठे थे उनको कि ये जो काम कर रहा हो ये नाथोलदार कर रहा हो यश काम। तो बाद में नाथोलदार बदरा भी बिल्कुल चिंता नहीं कर बापू पर विश्वास चलो पर आन सिंह जी का पिता थी उन्हें बोझ की विश्वास थी। देखो ये विश्वास बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने दिखने की कोशिश करी कि देखो परिवार में बिना विश्वास के परिवार नहीं चल सकें और उनको पूरा विश्वास थी कि यश काम यो नाथ बलदान नहीं कर सकें। तो बचुली जो उन्हें बोझ थी उन्होंने अपना जो उन्हें पति थी उन्हों को चमन सिंह है चलो पहले तो पत्र लगा कि ये कैसी हो फिर रमौती ही पत्र करो उन्होंने बोझी ना और फिर वो भी खोज में गई उनको पकड़ भी लिया जब तक वहाँ पंचायत चल रही थी। और देखो आजकल न्यायिकरण में कुछ वर्ष भी जानिए हमारी वो पंचायत राज को भी किला उन्होंने भी दिखाने की कोशिश करी और वही निर्णय को दिखाने की कोशिश करी। जब वहाँ यो सही बयानबाजी नहीं है आज उन्होंने यार अब क्यों हूँ आप तो यो बड़ा मुश्किल है जान यो छोड़ यो तो यो अपराधी घोषित ही नहीं हो आपकी करी जाओ। तो बड़ी दुखी होने लगी और उन्होंने सोचो कि अब यह है कसम खबर हम एक कर बे रामायण धर्म पर कदो विश्वास हुआ लोगों को और कदो धर्म पर एक निष्ठ थे वो धर्म रामायण रखी गई उम्मीद तुलसी पत्र रखी गई और विवाद छत पिछा धर्म उम्मीद हाथ धरवे कसम खबर की जी दबाव डालो जब दबाव डाली वो जब थोकदार गुमान सिंह जी द्वारा तो उन्होंने कसम खाए और अब फिर तब तक पीताम्बर पंडित भी ले आए और अपराध स्वीकार कर लिए। तो वह तो ये निर्णय है वही तो हमारे पंचायती राज व्यवस्था में किस तरह से कस धनल न्याय होची यही लोग उन्होंने उल्लेख में कर रखो और पहाड़ में किस तरह से यो काम होची। और भी बात हम आगे देख लो कि यो चौमास अब चौमासा बारिश से बात कराएगी उन्होंने चौमासा बारिश में कस चारों तरफ नदी 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 बहनी पहाड़ में झरन बहनी वो सारे उन्हें वर्णन कर रहा हो पशु पक्षी वहां के लोगों की आदि उन्हीं उन्हीं अब यो जब वो बह जाए यो क्यों कुणी की जब यो कूद मार गई होंगी तो गांव के लोग रमौती तब गांव लोग कैसी कस कस बात करनी कि भाया चौमास की गाढ़ ठहरी पार फाट कहीं खेतों में काम करने गई होगी आते में पनार तर नहीं पाई फिर फिसल गई होगी मरते मरते बची है जब वो लिवे आई। तो यह वहां भाषा और वो खैर वो तो वहां के यो भाषा ले उन्होंने पकड़ मजबूत करी। तो ये अब इस ढंग से उन्होंने लिया वहां वर्णन करो और जब हलदार देखिए हलदार में अब दूसरा जो उपन्यास में तो हलदार वो अब वहां व्यक्ति जो छू वहां आदिम जो छू
एक रॉक डाबल रोड था, आप स्वाभिमानी आदमी हमार हमार पहाड़ा आदमी बहुत स्वाभिमानी आदमी, वो जल्दी भीख मांग भी नहीं खा, वो भले ही केला काम करो काम करे तो तब वो भी पेट भरेगा। तो ये एक हम पहाड़ी विशेषता छू, यह जमी उन्होंने होलदार नाम उपन्यासन दिखने कोशिश कर रहा की कि एक तो होलदार बोलना चाह गुमान वो यह जो डूंगर सिंह है, डूंगर सिंह होलदार बोलना चाह और भर्ती ले जा, भर्ती है जा वो चाह कि मैं अपन एक जवाबदार हम आप गाँव में जमा सकूँ। तो लेकिन खुद अपन तीन महीना वो हूँ एक क्यों ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड में भी वीक अपन थोड़ा खुद गोली मार दियो और जय भी अपाई जा और डूंगर सिंह जो छो डून है वे घर जा। अब वी बाद एक अपाहिज व्यक्ति जब हैजा सो वी दिमाग कस ढंगल काम करू, कस कस ढंग वी दिमाग में ऐसा दू, कस स्वार्थ की दिमाग में जन्मू, अंधविश्वासों में वो लिप्त है जा, जातिवाद की हुई भावना कस विकसित है, फिर कैसे सहयोग भावना है, कस कैसे वो व्याविचार करने कोशिश करो, ये सारे भी मानसिकता को उन्होंने पढ़ने कोशिश करी और वही माध्यम को दिखाना चाह। अब वो क्या हुई दिया बोझी जी बड़े दुखी है जब उनका यह घटित हो वो उनके प्रति एक संवेदनशीलता उन्हें अलग होती उन प्रति लेकिन उम्मीद की लाखी वो उम्मीद लाखी उम्मीद डूंगर सिंह की लाखी की यह कहीं ना कहीं चाल छू उम्मीद वो संतुष्ट नहीं होती। और दूसरी तरफ उस अब ज्ञान ही हरो जी ना तो ज्ञान जी सुरन भगो की फोगदार जमन सिंह बार जेता जो सुख दे में ब्याह जे जो भगो भरो जी वी सपने देखना भेजा। और फिर आगिल जब और बचपन बटी बड़ा वी एक जो व्यक्तित्व के दिखा रहा हो कि काफी चंचल व्यक्तित्व है वो सब चिड़िया गणी सड़िया गणी छेड़ा काम करती बचपन में और एक प्रेमिका आएगी जीवी नरली लेकिन वो प्रेमिका का गाँव में ब्याह है जहाँ किशन सिंह नेगी जी वो बार बड़े भी हैं और अब वो सोचो कि ये है बच्चे बदौल झंडू। अब बदौल कैसी हूँ वो जब गर्भवती है जो वीक नर जो वीक प्रेमिका थी वो जब गर्भवती हुआ जब वह वो गांव में भी पहली बटी वो हुची ना ये मेडवाइ नहीं हुची और ये नहीं हुची नर्स नहीं हुची और डॉक्टर नहीं है तो गौनों पर बटी कोई जो थोड़ा बहुत के बारे में जांच भी उस समय बच्चे होने बखत जब मदद कर सी तो दुर्गुड़ी पल पंडितानी सब हुआ जैसी और अब वह यह कि दुर्गुड़ की पंडितानी जो सी उन्होंने आप कसम कहे कि कोई ठाकुर हुआ नहीं जुड़ू कारण यह सी कि हरक सिंह और भी जो चल सी रहू जय जब पैद कर हूँ खुद जरी सी जब पैद हूँ मैं सहायता कर हुई जग वो खुद जरी सी वहां तब वी लो देखो कि यह जंगल आज मैं ही बात कर रहा हूँ वी लोग उन्होंने कुछ अपशब्द या कुछ कह दी जय वील अब दुर्गुड़ पंडितानी की कसम कह लो कि मैं कोई ठाकुर हुआ जुड़े ना तो ये लीजिए आप किशन सिंह नेगी जी वाले जाने लीजिए तैयार रहे और ये भी पहली तो डूंगर सिंह खुश जा कि अब ठीक हो गया अब उन्हीं जाले जब बीए मर जला भरो लेकिन बाद में फिर आई क्यों आई दिमाग में पूरा बात हुई अब वो सोचू की मैं पहले आप ये तीन हिस्से कर लू क्योंकि तीन भैसन तो मेरा प्रॉपर्टी तीन हिस्से है जा फिर वो सपने देखने जा कि मैं आप मेहनत फिर जमन सिंह एक कर जो थोकदार जमन सिंह उन्होंने खेतों को आपको खेत दी और उन्हें दुकान ली और दुकान में भी बहुत सुंदर दुकान बोलो अब वो सुंदर दुकान है कब दिखाऊं जो सुंदर दुकान वही वो नरुली का जो भी प्रेमिका और भी चल रहे जवान हो जाए बोले जवान हो जाए मेरी प्रगति के दिखना चाहिए फिर वो दुर्गा पर दुर्गुली पंडितानी वहां खुद जा भी हाथ जोड़ू भी पाज वही हूँ कि तुम ये सहायता करो और तुम भी जैसे जैसी रहो और सब वैर भाव खुले दियो और ये भी उन्होंने मदद कर तो यह ढंग उन्होंने दिखा रहा था कि अंततः जो सकारात्मक सोच सकारात्मक हर जगह उन्हें उपन्यास में हमको सकारात्मक सोच मिले तो एक जो अपाहिज है जहाँ व्यक्ति और वो जब भी दिमाग में की चीज चलनी वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन उन्होंने करो और ये बात भी अनेक अनेक स्थितियों का मनन चिंतन करवे तो ऊपर वो उपन्यास लिखो। अब यदि आए हम थोड़ा आगे बढ़ने जब जब देखो हम कि एक उपन्यास लिखो ऊपर थी नाग वल्लरी
यह मेरे को उन्हें सबसे बड़ी उपन्यास है। नागवल्लरी जो है पहाड़ी परिवेश पर निर्भर है और ये उन्होंने काफी वहाँ खान पीना मतलब बता हो, यदि हम वहाँ बात करूँ तो खान वहाँ का पकवान जो ना उम्मीद एरी उम्मी डुबू गहरी तबकी अरो चाय पानी चाय अलग अलग विध्युल चाय बोने के बाद उन्हीं वहाँ पहाड़ में अलग अलग विध्युल चाय बनूंगी और ठठवाणी ठठवाणी है ठठवाणी उल्लेख कर रहा हो गडेरी छो गडेरी सागर उल्लेख कर रहा हो गेठी सागर उल्लेख कर रहा हो तो वहाँ का पकवान बारे में उन्होंने बहुत सुंदर वहाँ बात बता की। और सामान्यतः जो भोजन छो डेली जीवन उम्मीद उन्होंने कह रहा हूँ कि दाल चावल रोटी और यह मुख्य सो और जो जरा ये राजपूत हैं और ठाकुर हैं वो मांस और मांस सेवन करनी और बाकी जब तैयार हो जाए उम्मीद बहुत चीज पाको दूध दही या खीर कचौरी रायता रायता पहाड़ी रायता एक अपन अलग भी महत्व छो और रायता हलवा बड़ा आदि पकवान बनाई जानी यह वो लेकिन और एक बहुत बड़ी बात यह थी कि नागवल्लरी नागवल्लरी मूल रूप से आरक्षण पर केंद्रित उपन्यास ये तो खान पीना बात हम लोग जोड़ रही उम्मीद आ रही यो हम बता लेकिन वो आरक्षण पर केंद्रित उपन्यास छोड़ अब यो आरक्षण आज देखो हमारे देश का दुर्गति है ये यो पूरा अब हर समाज को अब ब्राह्मण लोग कि हमको आरक्षण से तो ये आरक्षण इधर व्यापक विकृत रूप ही है तो ये कहीं ना कहीं उनको एहसास उस समय वह है कुछ तो उन्होंने यह उपन्यास को आधार पर लिखा तो एक सकारात्मक सोच की विकसित कर पाए। अब इन्हीं तरह तरह प्रश्न खड़ा है सब भी लेकिन नारायण जो एक दलित वर्ग में संबंध छुए बच्चे दलित वर्ग में छु और मी दूसरा जो वी शिक्षक कृष्णा मास्टर छन वो दलित छन और बहुत मेधावी है दोनों बहुत होशियार छन और वो एक विधवा ठाकुर ठाकुरानी तो ब्याला करनी अंतर जाति विवाह उन्होंने दिख रहा हो और यह कर रही कि जब ये नारायण देखो कि गांव गांव में पहली बाप दे अपना जैसी नगा दम बजू हूँ लेकिन बाद में देखो कि ये मुझे बड़ा अपमानजनक जीवन छुए बड़ा कष्ट हो और ये में जो हम चाहो उस हिसाब हम नहीं कर सकें काम यानी कि पढ़ाई यदि हम थोड़ा कर ले जाए तो शायद हम ज्यादा भल कर सकू तो यह उम्मीद काम करते करते क्योंकि काम ले हम सीखू यह उन्होंने शरीर मटियानी जी से खुद महसूस करो कि उन्होंने उपन्यासों में हमको देखो कि जब हम कोई काम कर जानो तो हमको पता लगो कि वो काम सही छो वो काम गलत छो और कभी हम आसानी आगे बढ़ सकते कभी हम यह रह जाऊंगी अटकी रह जाऊ तो यह नारायण के समझ में जा और वो जो छू अपन गुरु जो कृष्णचंद्र छ कृष्ण कृष्णा मास्टर छ उन सानिध्य में पढ़ाई लिखाई करो जस गाइडेंस करनी जस उनको मार्गदर्शन करनी उस काम करना हो यह धीरे धीरे क्यों पूछा वो बहुत ही होशियार है और बी ए पास है। अब वो एक दिन फॉर्म लिखे हूँ आई एस एफ फॉर्म लिखे हूँ क्योंकि गुरु जी मैं जब फॉर्म भर सो आप क्या करोगे रिजर्वेशन से बैठूं या ओपन से बैठूं कमी कैसे बैठूं तो वो कृष्णा मास्टर जी उनको समझूनी कि देख यह शुरुआत की तो कभी कोई साइड पर बैठ चाहे तो ओपन बटी बैठ चाहे तो वहां पर बैठ रिजर्वेशन में बैठ पास चीज निश्चित हो तो रिजर्वेशन बटी तू फॉर्म भर ले जरूर भी कोटा पर भर ले फॉर्म जब तो वो हमेशा यह सलाह बोल कि मी यह योग्य नहीं सी मी यह योग्य नहीं सी तो मी बेकार में मी पद मिल पड़ो और तू खुशी खुशी काम नहीं कर पा रहे हमेशा जब ले काम बात आली जब तुम वो उसी में उलझा रह जाओगे और भी सोचते रह चले यानी कि तुम ओपन बटी भरो निश्चित रूप से तुम इसमें निकल जाओगे और वीर आप गुरु जी बात मानी और वील ओपन बटी फॉर्म भरो और वो निकल गई तो पास हो गई तो यो एक उन्होंने सकारात्मक सोच रखी कि यदि व्यक्ति योग्य छो तो वो भी रास्ते कोई नहीं रोक सके न जाति रोक सको न धर्म रोक सको न कोई और व्यक्ति रोक सको तो केवल आप वह योग्यता को विकसित करने आवश्यकता छो यह सकारात्मक सोच
मटियानी जी गिरा की, और जब तक हम योग्यता नहीं तब तक हम वो पदल की दावाले हमको नहीं करने, क्योंकि हमारे तो नुकसान हले हम राजनीति के बारे में सुन कर और विवाद आगे तक आने वाली पीढ़ी जी नुकसानदायक सु और विकास नहीं हो सकल उनकी अटक सब चीज अटक जा यानी कि हम जय योग्य छ वही आधार पर हम नौकरी पाण से यह जो सोच उन्होंने विकसित करी विकसित करने की कोशिश करी समाज और हमारे राजनेताओं ध्यान उपन्यास माध्यम खींचने की कोशिश कर रहा थी। यदि ये पर विचार की जाओ तो उन्होंने दूरदृष्टि यह और आज हम ये नतीजे देखने कि आज सारे वर्ग आज कहें पंजाब मोर्चा निकलना हमको आरक्षण दो, कहें मराठा मोर्चा निकलना हमको आरक्षण दो, कहें वो गुजरात को मोर्चा निकलना हमको आरक्षण दो, तो अब सभी आरक्षण मांग कर रहे थे। तो यह एक भयानक रूप जो उन्होंने उभर देखे थी महसूस कर रहे थी वो उभर उपना उन्होंने अपने उपन्यास कोशिश कर रहा थी नारायण माध्यमल कृष्णा पंडित कृष्णा मास्टर जी माध्यमल। और एक बढ़िया उपन्यास जो पहाड़ी जीवन पर केंद्रित उत्तरकांड, उत्तरकांड पहाड़ी स्वतंत्रता बाद जो पहाड़ी जीवन पर केंद्रित उपन्यास उत्तरकांड की वो स्वतंत्रता बाद की स्थिति है वहां पहाड़े वो उन्होंने रेखांकित करने कोशिश वो उपन्यास कर रहा थी। वो उपन्यास में उन्होंने बता रहा था कि पहाड़ में आजादी हमें पहली पहाड़ में आजादी हमें पहली शराब बहुत कम मात्रा में पाई मिलती, लेकिन आजादी बाद जो है चारों तरफ है कि शराब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग उपयोग करने बैठी, दुकान खुल गया थी वहां शराब, और तब वहां एक भैंसिया छाना के बाद उल्लेख कराको एक जगह उल्लेख कर भी हम कुमाऊं को रिप्रेजेंट कर रहा हो भी बता रहा था बतौना कोशिश कर रहा थी। तो बतौनी की वहां उस क्षेत्र में जहाँ केवल एक चाह पानी दुकान थी आज वहां चमचमान है वो चारों तरफ, और कारण केवल वो जो वहां दारू दुकान खुल रहा है वही कारण है, और गांव में जो बहुत प्रेम रुचि अब आज धान ले बेची गई वो दारू चक्कर में और वो पेड़ा चक्कर में भी धान बेची गई। तब की करनी एक तारादा जो लोहनी मास्टर जी है मास्टर जी होनी वहां माध्यमल भी विरोध कर होगी, और वो विरोध करने में काफी कोशिश करनी, लेकिन न तो पुरखी से शेठ सुनो चाह न बाबू को न तो क्योंकि वो गुमान सिंह न गुमान सिंह सुनो चाह, तो यह एक दूसरे साठ गांठ ले काम करनी। अब विवाद काफी शनियाल उन्हें साथ दे होगी कि भाई यो बंद होने से शराब बंदी, क्योंकि अंततः श्रेणी हुई शिकार बननी जो जो लोग पैस आदिम कमू वो शराब मोड़े जो और घर में बड़ी समस्या खड़ी है जे, तो उन्होंने कहोगी यह रुकण से यह जंगल शराब बिक्री पर रोक लागण से, तो लेकिन यो मन तैयार रहे दिए धनी। अब देखो वो सकारात्मकता कैसी लुनी उस उपन्यास में, और अब विवाद कॉलेज विद्यार्थी तो उन्होंने साथ जुड़ गई, उन्होंने कहा कि हमले यह विरोध में था उन्होंने शराब बंद होने से, लेकिन तबले बंद नहीं कर, फिर अंत तह क्यों क्योंकि वो उन्होंने कांग्रेसी लीडर नाम लिया को और कांग्रेस को विशेष रूप से कांग्रेस नाम लिया को, और उन्होंने कहा कि ये जो छू यो लक्ष्मी बाबू जो है सहयोगल हूँ दारू अड्डे चलोड़ी, और जब उन्होंने चल बाद में यो मास्टर जी जगह मिल जा तारी तारा दोहनी जी जगह मिल गए, जब उन्हें विरोध करना भेजा तब उन्हें आंख खुलनी और उनकी यार सच में भी गलत काम करना चाहिए लगे आज चल रहा मैं विरोधी हूँ, तो उन्होंने एक बात यह एक संकेत उपन्यास माध्यम कर रहा हो कि यदि हम शुरुआत करने को भले ही हमको सफलता शुरुआत में काफी तकलीफ हो, लेकिन यदि हम कोई काम शुरुआत कर देना तो वो काम निश्चित रूप में लोग जुड़ने जानी, और यदि अच्छा काम छू नेक काम छू तो निश्चित रूप वो काम सफल हो। तो यह जो संज्ञा जो मटियानी जी जो सकारात्मक सोच थी, और हर उपन्यास में अब हम लोग तीन चार उपन्यास की बात करिए हर उपन्यास में जो सकारात्मक सोच ने हमें देखा उन्होंने हमको मिले, तो यह हमारा उपन्यास ही। एक और जो शुरुआत में मेवाड़ी जी बात करी कि वो वहाँ लोक संस्कृति
कसी अलग अपना उपन्यास माध्यम कहानियों माध्यम रेखांकित करने कोशिश कर रही। तो यह उन्होंने एक यह उपन्यास लिखो मुख सरोवर के हंस। अब मुख सरोवर के हंस यह उपन्यास बहुत प्रसिद्ध होना छू और प्रसिद्ध लोक कथा पर केंद्रित छू। यह उपन्यास समय सौम्य वाणी जी आए समझा हूँ बात अब वो कर दीजिए। हाँ वही 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 काफी लंबा थी वो तो बस तो यह उपन्यास में जो अब ये देखी जा सकूं कि यह उपन्यास का वहाँ गोल्लू देवता गंग देवता भोलानाथ और वहाँ सैम राजा हरु महाराज ये सब अपने खिलौने के रूप में मल्ल बभूत बभूतल मल्ल पुत्र तैयार कर ली कि अपन एक वीक बड़ूल कवे यह नाम यह मल्लू निर्माण करो। लेकिन वो इतने विशाल बढ़ गया उन्होंने जो पुत्र थी बभूत पुत्र तो इतने विशाल आकार उन्होंने ले कि अब उन्हें पेट भरना जी ना पास के नहीं रहो तो उन्होंने की करो उनको तुम आप जाओ चंपावत में। चंपावत में जो कालीचंद की शरण में जाओ भी तुमको तुम्हारे पेट भर सकू। तो फिर वो वाले जानी और भी एक लंबी कहानी थी और अंततः अभी इस तरह से अभी यमी अब लंबा बहुत खींच गो तो यह वहां लोक संस्कृति पर केंद्रित कहानी थी। तो यह ढंगल मटियानी झील पूरा पहाड़ बहुत सुंदर वहाँ खान पान वहाँ रहन सहन वहाँ जो स्त्रियों आभूषण थे वहाँ नथ बलिवेश स्पून बलिवेश और अन्य जो वहाँ विशेष धागुल छू और गौ में पैणी करो बंद छू उन्होंने उन्होंने उल्लेख कर रहा। तो यह ढंगल हम देख लो कि संपूर्ण रूप पहाड़ के अब सब कुछ यहाँ रख सकने कम समय में संभव नहीं है तो उन्होंने काफी ये सारी चीजों को रखने की कोशिश कर रहा थी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं ये सभी लोगों को देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मिस्त्री आपको बहुत धन्यवाद मिस्त्री। और अब मैं अपने युवा साथी अनिल से अनुरोध करता हूँ कि वो मटियानी जी की कहानियों पर प्रकाश डाले कि मटियानी जी ने अपनी कहानियों में किस तरह पहाड़ को जो है सामने रखा है। साथी डॉक्टर अनिल कार्की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लक्ष्य की आप तो 1.5 घंटा हो गए और 1.5 घंटा श्रोता जो से बहुत टाइम हो 1.5 घंटा में लेकिन बहुत सार बात आ ज्ञान और बहुत सार बातचीत हो गए उन्हें रचना धर्मिता में और उन्हें रचना जीवन में आत्म एक लेखक को जस आत्म संघर्ष हो या वो जिस किस्म को संग लिखना जो प्रक्रिया हो ची वो प्रक्रिया में जिस तरह एक बात जितुक बात आ गया अब उन्हें दुराव एक तरह ले हल भका अध्याय है जालो तह मैं अगिल बढ़ू। दरअसल कई बार हम जो भाव प्लॉट में जब के लेखक देखनो जब हम तीन तरह देखनो एक तो उसकी सहानुभूतिक तरीका लिखने वाले लेखक और एक खुद फील कर बेन या खुद महसूस कर बेन ये चीजें लिखने लेखक और एक लेखक हूँ जो समानुभूति जैसे कुनान इम्पथी वो स्तर में जहवरिन समाज लिखने। और जब हम शैलेश मटियानी साहित्य पड़ताल करनु या उन्हें पड़ताल करने के अमर की भी साथ खैर तो ये पत्तो चल से कि पहाड़ों जो जनजीवन है वो में चाहे मछुआरा छन घोड़िया छन मतलब लोहार छन बुच्चर छन जो एकदम तलछटोक जीवन छा। दरअसल जे जीवन हमारे पहाड़ ठड़ी रहे वो पूर्व पहाड़ा को एक तरह का प्रतिनिधि रचनाकार छ एक बात तो यो छा। दूसरी बात जो वैचारिक बात छ जो वैचारिक पक्षधरता की बात छ और भाषा को राजनीतिक हस्तक्षेप जो छ वो शैलेश मटियानी दरअसल हमारे जो भाषा का राजनीतिक स्टैंड छ जो अपन जैसे हम आंचलिकता कुनु या जैसे हम जनपदीयता कुनु अब उस पहल बार हिंदी जगतक फलक में रख छ और ये बातें हमन कभी न भूलन चाहिए। और एक ये जब हमर जब बात अपन भाषा के औजारल जनता के बीच गए और
पहल बार लोकल आंचलिक शब्दन को पद्यमय जो गद्य लिखी गए तब पहल बार ये महसूस भेज कि हिमालय में केवल चमकने पहाड़ देखुन वलान का हेले भ्यारक ले आदिम छन जो ये पहाड़क भीतरक हाड़ मांस और ऊक आम जनजीवन देख सकना। तो अगर हम शैलेश मटियानी जी कहानी के बारे में बात करनु कई बार यू कही जज की उन मक्सिम गोर्की था या इवान तुर्गनेव जैसी नरशैली थी या और लेपी विश्लाखो जैसी या धीरे बहुत रशियन कथाकारन का दगड़ उन्हें तुलना करी जैसे या कहानीकारन का दगड़ बहुत बार। तो मेरी यो मानन है कि क्षेत्रगत तौर में शायद कुछ समानता रहे हुनो जस किस्मों को समाज हमले हमर छ या जस किस्मों को सैनिक समाज थो या जस किस्मों का आम तल छोटो जीवन थो वो जीवन एक समानता थी शायद यही समानता व्यक्त करना की वजह उनसे ये सब विशेषण मिले उन्होंने साहित्य में। लेकिन मेरा अपन जो मानन है मैं पहल बार जब मटियानी जी का साहित्य दगड़ मेरे परिचय भेज में तो टाइम में एमए में पढ़ती हूँ और एमए में उन्हें एक बहुत शानदार कहानी लग थी देख नाम थो प्रेत मुक्ति किशन राम और केवलानंद पांडे दोस्ती वो कहानी और वो कहानी की मतलब प्रेम कहानी ऐसी मतलब गजब प्रेम कहानी वो और वो पहल कहानी मैं मतलब कहा चुप गए हो चुखा कड़ा जैसे और वो या फिर गजो कुमरो जैसे जब आप गजो कुमर चुप जैसे जब तू मैं कि कुनान उबाद फिर दरबुझ ना नासूर हो जासू। तो वो कहानी दरअसल मैं जो सब मटियानी पछिल लग गए मटियानी जी साहित्य पछिल और मैं ये दावा न कर दू कि मैल उन्होंने बहुत पढ़ रहे लेकिन मैल उन्हें थोड़ा बहुत जतुक पढ़ लो उस जज्ब करने की कोशिश कर अपन लेखन मेले और अपन जीवन मेले और कोशिश कर कि हमेशा एक साहित्य जो पक्षधरता से आम तलछड़ जीवन और आम जनता के तरफ वो बहुत जरूरी छ। दरअसल उचकी कि मैं भाषा के संदर्भ में बात रख मरियो हमारे भाषा जो शब्द छन वो जो भाषा की एक राजनीति हो एक भाषा अभिजातीयता की एक राजनीति हो वो राजनीति में भाषा हमेशा एक शुद्धतावादी नजरिया मिल जी लेकिन मटियानी इन सर किलान मठन और थापिना के जो तुबले उछन उन्होंने ध्वस्त करना अपन कहानी में और पहल बार हमार हाड़ मांस अपन भाषा में अपन बात बोल छ उले हिंदी साहित्य के भीतर और यो एक खास बात छ हमारे जब हम मटियानी जी की बात करनो जब हम ये ले कह सकनो कि भाषा जातीय औजार दिने रचनाकार था उन हमन के और जो उत्तराखंड में लोग लिख मरियान या कुमाऊं गढ़वाल में लोग लिख मरियान या चौंसार में तो भाषा की भाषा जो जनपदीयता था उस जनपदीयता था उस इस्टेब्लिश करने रचनाकार था। और दूसरी बात जो था वो मैं अगर आप तुम उनर कहानी देख ला कि उनर समाज जो था वो बहुत मतलब रंगीलो समाज से होशिया समाज से आजुक जो समाज ना थे आपस में मिलने घुलने और वो कॉन्फ्लिक्ट देखे मतलब एक महिला विमर्श स्त्री विमर्श का जनक भी उनको कहा गया है कई रचनाकारों ने उनको कहा है। तो महिला जो जीवन छ ना काफलो वोट भ्यारे बटे लाल दिखी या उनर जो कहानी छन सुबेदारनी चील हो गयो और कि कुनान प्रेत मुक्ति हो गए और सुहागिन एक कहानी छ बहुत शानदार कहानी छ और ये सब कहानी में जो महिला पात्र छन ना बहुत दबिया कुचलना पात्र छन मतलब उन अपन बात न कह सकना या कुनान जबुत फिर प्रकृति दगार अपन मतलब अन्योन्याश्रित संबंध ठड़िया भरेन कुनान और जबले कोई कहानी उच उमे राम किशन राम होलो तो नैन सिंह होल या फिर केवलानंद पांडे होलो तो किशन राम होल तो उनर जो समाज से वो बिल्कुल हिलना मिलना समाज से और उस समाज में ड्राइवर उनको बिल्कुल बारीक विशेषण ड्राइवर उनको ऑब्जर्वेशन ड्राइवर कस कर मरियो की कर मरियो अगर तुम उनर कहानी ले ला ये सुबेदारनी कहानी जो है वो मैं वो ड्राइवर का हाव भाव एकदम इतुक बारीकल उन्होंने पकड़ लिया यानी कि अद्भुत और जगह देखने बहुत मुश्किल है। तई कारण शायद पहल बार राजेन्द्र यादव कोई नो कि जो हमर मटियानी जी छन उन रेणु है ठूल कथाकार छन क्योंकि उनर पास दस इस कहानी छन की जो पहली ले बात हो गए तो यो सब उनर रचना में छन और मैं ये चाहूँ कि बहुत लंबो ना बोली जो कुछ कुछ कहा कुछ कुछ जो उनर कहानी छन उनर उनर जिक्र में कर दू उनर खास खास मतलब बात अब एक यो पाप मुक्ति कहानी छ पाप मुक्ति कहानी जो प्लॉट छ वो छल हल लगने वाले जो पहाड़ में हो
तो मैं एक जाको जो उच्च है ना जगह मतलब छल भूत बजूने वाले उस बारे में बात उच्च किसनिया ने चिमटे से कोयले लेकर हाथ अपनी हथेली में उछालते हुए फिर रखवाली करने की मुद्रा बना ली तो नंदी को हंसी आ गई। और जब किसनिया ने हौर्त हौर्त चीखते हुए ललिता के कपाल में भभूत लगाने के लिए हाथ से कोयले सिगड़ी में डालने की कोशिश की तो कोयला जमीन पर ही गिर गया। राख भी बिखर गई। जमीन पर से ही राख की चुटकी भरकर किसनिया ने ललिता के कपाल कद में टीका लगाकर फिर जोर से हौर्त कहा तो नंदी से रहा नहीं गया और जोर से हंस पड़ी। किसनिया चौंक कर देखता रह गया। ललिता के सिर पर हाथ फिराती ललिता के सिर पर हाथ फिराती व्यंग्य पूर्वक बोली, है हो बेकार में बबूत क्यों चुपड़ते हो बेचारी ललिता के कपाल में। अब कितना गोरा कपाल है इसका, आंखें कितनी सुंदर है इसकी। और सुनो, तुम अब अपनी यह दिखावटी रखवाली छोड़ दो। इसका मसान तो राख का नहीं बल्कि सिंदूर का टीका कपाल से लगने पर ही उतरेगा। तो इसी तरह की उनकी कहानियों की संवेदनाएं हैं, इसी तरह का बारीक विशेषण है। हल्के सालों में आपने देखा होगा मास स्त्रियाज के बहुत सारे केस आए, तो उन केसों की ये पड़ताल करती हुई कहानियां भी है। अगर हम इसके बहुत अंतर कथाओं में और अलग अलग कथान में अगर इनर धनु जब तो हमसे पत्तु चल सकी और कतु जाड़ छन मतलब और कथा दगाड़ बहुत सारे अंतर कथा ले उन्हान मतलब पल्लर कथा और पुलौटाक दगाड़ अलग अलग आदि में अलग अलग तरीका रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी जमान में जैसे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कुनान। और एक यो कहानी छे उनर सुबेदानी मेरे बाप फौजी ब्याज में मतलब मेरे जुड़ना मैं तब शायद पहली बार ये जो रशियन कथाकार था या जो हमरियाग जो कथाकार था जो बहुत बेसिक कथाकार था जनर पहाड़ी जनर कहानी में किसान और मजदूर और ये सब आया। तो यो कहानी मैं जब मैल परिषद में इस लगती कि यो कहानी मेरा घर एक कहानी था या मेरा आसपास एक कहानी था क्योंकि मैं खुले सैनिक परिवार बैठे थे। तो वो मैं एक कहा एक एक स्टेंजा था, लौटते शरद ऋतु का दिन और छोटा पड़ता गया, सुबेदारनी के पांव भारी हो गए, एक गट्ठर सिर पर लदा है बांझ और फल्याट के पल्लवों का और एक भीतर इकट्ठा है। पाले उतारने और चाल भर लेने के बाद के विश्राम में सिर सुबेदारनी साहिबा के गोद में था और जू ढोड़ने की प्रक्रिया में उनके अंगूठे के नाखून आपस में जुड़ते थे तो लगता था आवाज मीलों दूर तक जा रही होगी। तब याद आया था अचानक फिर वही खीमा के साथ की ट्रक यात्रा में एकाएक उपस्थित होकर सफर समाप्त होने तक लगातार विद्यमान रहा, मृत्यु भय सुख अकेले कहाँ आते हैं। तो इसमें एक एक जगह वो जब सुबेदार जो है अपनी अपनी शराब किशन राम चालक को पिलाता है तो उसके बाद वो उसमें वो साफ साफ वर्ग संघर्ष दिखते हैं, साफ साफ जाति स्ट्रक्चर उनके वहां दिखते हैं। महिलाओं सेनिन लिवरिन जो समाज से उले देखी सुन उनमें तो हमार समाजिक जो सेनिन लिवरिन समाज से उले देखी सुन तो एकदम साफ कोई छा रचना धर्मिता में इसी तब है बहुत आदि ठूल जो आलोचक उन्हान उनले उनसे कहे कि ये बहुत यथार्थवादी लेखक छ मतलब एकदम सच्चो लिखने वाले लेखक छ। तो यही कहानी में एक जगह वो पूछ की दाजी वो भुटुआ कैसा है और अगर अच्छा पकाए तो एक प्लेट और लाता हूँ इसी में कहीं आता है। तो तस्सी में जो वो कहानी छ प्रेत मुक्ति वो मैं किशन राम और जो केवलानंद पांडे उन्होंने दी दगड़िया उन्होंने जब नानसना दगड़िया वे पे बाद में हो गया फिर किताब लेकर बामुन बनाया लेकर विचार दलित रुन दी जब वो मैं वो ये सोच की दी दगड़ा स्कूल पढ़ने गया जब वो देखी जनान किशन राम अपन घरवली दगड़ धनमरुस तो जो इन पंडित जी छन केवलानंद पांडे देखना जब वो शर्मा जाए और वो हाथ में बीड़ी पीन मरुस ननी नंदन तीन अपन हाथ में चेसा दे तो उतन जो वो कहानी जो बहुत मार्मिक उच्च है वो मैं उस टाइम में वो कुछ मतलब बाद में फिर वो घर वाले नहीं जैसी तब तो पूरी जिंदगी भर जो किशन राम से हिंदी समय में ये कहानी छ तुम ये ढूंढ बरिन जरूर पढ़न चाहे हमारे नई पीढ़ी जब तुक साथी ये चार अन क्योंकि शैलेश मटियानी पढ़ना मतलब अपन 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 आस पास कहानी पढ़न या वो कहानी पढ़न जो यात्रा हमारे पुरखान की थी या हम जहाँ तक आ रहे हैं
એમાં કતુક સંઘર્ષ થયો, તલજટો જીવનો, કતુક આપસ મેં એક દુસરા મતલબ લિવરેન્ટ, કતુક જાતિ હમારે સ્ટ્રક્ચર થા, ઓર કતુ હમર લોક કથા થા, કસ કિસ્મો કા હમર આચાર વ્યવહાર થયો, કસ કિસ્મો કા હમર મતલબ બહોત બારીક. મેં એક બાર યો કોશિશ કરતે કે કભો કભો ઇસ ઉચકી એ બતોર મતલબ જસલે છું લેખક લેખક યા કવિ જી લે કુછા એક બાર યો ખુદ છે કે યો શૈલેશ મટિયાની જી જો પ્રતીક ઓર યો બિંબુર ઇસ્તેમાલ કરના ને ઉપમા પુરાણ જેથે મતલબ યા રૂપક યા જીલે મુજ એક બાર મેલ પત્તો કરે છે આજ 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 કુના ને આજ મતલબ નમી ખેતો ખેત ખેત ખેતો કો નાપને ફિન બીબુ ને પહેલી આજ ચેક કરના જો સયન આદિ મના ઓર હિન્દી મે તે મતલબ જો વહ નમી જિસમે બીજ અંકુરાને કી ક્ષમતા હો ઉસકો આજ કહેતે હૈ ખેત મે. તો બાદ મે યે હુઆ કી મેને કહા ઇસકો કહા ઇન્હોને ઇસ્તેમાલ કિયા હોગા, તો પતા ચલા કી ઉન્હોને બહોત પહેલે એક જગહ વો લિખતે હૈ કે આંખો મેં અભી આજ બચી હુઈ થી. તો યે જો ઉનકે પાસ જો શૈલી હૈ ઓર ઉનર જો અપન સ્ટાઇલ છે લિખના વો વિવિધતા કે સ્ટાઇલ છે, વિવિધતા દગર દગર એક રાજનૈતિક હસ્તક્ષેપ છે ઉસ જમાના સાહિત્ય મેં અપન અપન આદિમન કો. તો ઇમે જો યો કહાની છે ઇમે ઇન કુનાન ઘુસાઈ જી હું ડાલ ડાલ પાત પાત ટૂટા વૃક્ષ તો ફિર સે પુંગર જાતા હૈ મગર જરા ક્યા કરે જબ તક હાથ પાંવ ચલતે રહે ટેમ મેં પેટ કી આગ બુઝાતા ટેમ સે મેલે કપડે ધોના ઇસલે કરતા રહા કી નહીં કર પાઉંગા ભવાની કે લિયે ગાલી નિકલેગી મુંહ સે મહારાજ આપ તો ફુરપુતલી કી તરહ મેરે આગે પીછે ઉડતા હુઆ ખુદ હી દેખા થા ઉસે મહારાજ આપને તો ફુરપુતલી કી તરફ ખુદ હી ઉડતા હુઆ મેરે આગે પીછે દેખા થા ઉસે ઉસકો ગવા દેને કે બાદ કોઈ દૂસરી સયાની ઔરત લે આતા તો લગતા આગે પીછે ઝપટ્ટે માર રહી હૈ મહારાજ આપ તો કહે રહે હોંગે કે કિશનવા ડોમ કી મતિ વૃદ્ધાવસ્થા મેં ચોપટ હો ગઈ હૈ મગર મેને ઉસ ફુરપુતલી કો કભી ઇતની દૂર કહી નહીં ઉડાના ચાહા કુસાઈજી. તો યે એક એસી યે એક ઇસ પ્રેમ કથા છે ને મતલબ જેથે મતલબ આદિમ જિંદગી ભર એક બાર પ્રેમ કરવે ફિર કસકતે રોલ ઓર આપન ગુસાઈન કા ગણાન મેં બલદે જોતને જો હમારે અચ્છા કે કી ખેતી કિસાની તો ઉનર પેશા છે જો બહોત તલછટાક જીવન છન હાલ પકડન શરમય બાત છે હમર સમાજ મેં કે કી હમર સમાન સમાજ જો છે હમર જો એલીટ સમાજ છે કુમાઉની સમાજ જે મેં તમામ તરહ ખાંચા છન તમામ તરહ જાતિ સંરચના છે ઉ કભક પેશાન કો સમ્માન કરન ન જાણનો ઓર બહોત જગ ઉ પેશાન કો સમ્માન ઉસ તરહ ગલ ઢકીન મેં. તો બહરહાલ ફિર ઇનર એક કહાની છે મહમૂદ. તો મેં કુછ બાત કોન જાનુ જૈસે મહમૂદ જો કહાની છે શૈલેશ મટિયાની હી પહેલા આદિમ થા જેલે પહાડ મેં જો હિન્દુ મુસ્લિમ ગંગ જમની તહજીબ કુનાન જેથે ઉ કુનાનુ ઉ પહેલ બાર ઉનર કહાની મેં દિખે છે. કુમાઉની ઓર ગઢવાલી જો સાહિત્ય છે ખાસ કર હિન્દી મેઇન સ્ટ્રીમો કો ઉમાં અગર તુમ ખોજ વિરેન્દે પહાડી મુસલમાન ઓર પહાડી આમ જનો કો ઉદેગલા જબ આપસી સમજદારી યા આપસી સાજેદારી આપસી રિશ્તેદારી આપસી જોલે મતલબ ઉનર એક દૂસરા જગાર સુખ દુઃખ બાંટના કો શૈલેશ મટિયાની જી સાહિત્ય મેં બહોત જાગ છે બલ્કિ ઉપન્યાસ મેલે છે ઓર કહાની મેલે છે. મેં તો યુલે કોન છે કે જો અકાદમિક લોક બસરિયાનિયા મેં તો અકાદમિક ના રહી ગયું લેકિન જો અકાદમિક લોક બસ્યા ઉન્હોં કભે કભે ઇસ ટાઈપક લે કામ કરન ચાહના જૈસે કુમાઉની મટિયાની કે સાહિત્ય મેં કુમાઉની સમાજ કી ગંગ જમની તહજીબ ક્યુંકિ ઉનકે પાસ બહોત એસી કહાનિયા હૈ ઓર ઇસી તઈ તરલ બહોત તલછટક જો નંતિન છન ઉનર કહાની મેં જાગ જાગ ઉ નંતિનાન મેં અલગ કામ હો સકે જો બહોત બહોત મહત્વપૂર્ણ કામ રોલ ઓર એક ઓર બાત છે મતલબ મેરી યો પાગલપન થયું કે જો તું કહાની મેલ ઉનર પડ લેતે મેં બાદ મેં કી વેચ મેં અલમોડ રહી હું એક ડેઢ સાલ પ્રાઇમરી શિક્ષક દગા થોડ બહોત કામ કરશે. તો જ્યાં જ્યાં ઉનર જાગ થી મેં મામા ગઈ હું તો યો પ્રેત મુક્તિ મેં જો સુયાલ નદી વર્ણન હું છે તો સુયાલ નદી મેં રોજ જાગ ગઈ એક ચક્કર ઘૂમે કોસી પનાર સરયુ ઉનર માં જબ ગંગાન કો વર્ણન ઉસને એ તો બઢિયા હું છાહા બલ્કિ એ જો ગોપલી ગફોરન ઉપન્યાસ છે તો ગોપલી ગફોરન જબ શરૂઆત મેં જબ વર્ણન કરના જબ કુનાન કી યો દોનો શેરો કે બીચ લેટી હુઈ એક ચોમાસી નદી હૈ ઇસ વર્ણન છે.
उनरवार में। तो उनरवा इस तरह का घोड़िया छन, खचर छन, तलछटुक जीवन बहुत छ, क्योंकि बहुत कहानी छन उनर, कहानी तो उन सम्राट छन, बहुत ज्यादा कहानी उन लिख छ, और शायद तब है उनर 10 कहानी बहुत फेमस कहानी छन। कोले रचनाकार जब हूं, जब वो अपना समाज है लिंच और अपना समाज है दीच, और वो कर्जदार हूं समाज, लेखन करने वाले बहुत फूल तोप आदि न हूं, उले औसत कमीन को आदि हूं, उग दगड़ बहुत सारी किस्म दिक्कत उनान, और तल छोटो जीवन देखते तब लिख चले नदी मलमली आकाश में उड़ने आदि में बस दूसरे किस्म की चीज कर सकना, लेकिन लिखने के लिए इम्पैथी बहुत जरूरी छ, समानुभूति बहुत जरूरी छ, दूसरा भाव समझन बहुत जरूरी छन, जो हम शैलेश मटियानी जी के साहित्य में देखे ये शेरघाट बैठे लिबरन उधर उस पनार बैठे और तमाम जगह बीच में उन्होंने एक उपन्यास पढ़ मरती हूँ जो एक नाम छ उगते सूरज की किरण। मैं आज जांच हूँ यो सोमेश्वर घाटी में और द्यू भाई बोर और 22 भाई कह रहे थे की और कुसमा कह रहे थे कहानी छी। तो पहली बार मैं पत्तो चल ची दानपुरा कतुक खतरनाक जगरिया हूँ थे या कतुक खतरनाक कहानीकार हूँ थे। तो अपन जो उन्हर एक उपन्यास जो मैं उपन्यासन का तरफ न जाम रही हूँ लेकिन उन्हर उद्धरण छन तो मुख सरोवरों खनसु फर्स्ट में ही कुनान की मैं जुले यो विरासत मिल छ अपन पुरखान बटे मिल छ। बचपन में मैं उनर गोलान जाबरिन उनर दगाड़ जाती हूँ ग्वाला, बाद में फिर घसरेन का दगाड़ संगीत दिच हूँ और जिले छ सब उनरो छ और उनरो दीनाक तुमुल लौटून मरू। तो ये ईमानदारी उनर लेखन में छ और पहाड़ों तो मैंने लागू कि को पक्ष उनर छोड़ी ना कुन, ये अलग बात है कि वो टाइम में पहाड़ों को वैश्वीकरण उस तरह जो कल्चर थे उस तरह न, लेकिन वो बाल ले उनर में यो रेता खो निकालने वाले की कुनान बाजार वहां पूछ गए थे उस टाइम में, ले चुड़ बेचने वाला आदिम छन गो गरन में पूछ गया अलमोड़ में चहल पहल उनमस गए। शायद अगर आज उन लंबो जीवन जिनात आज उन यो वैश्वीकरणों को देख सकते खुट अपन आगन पत्थर उठाने में और दूसर खुट गुलोबाग आर पार तान बेन चाह सकते हैं अपन तुलना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें साहित्य में यो संवेदना और यो चेतना बहुत फुल स्तर में छह जैस चांद पड़ो लामन, क्योंकि उन्हें जो पात्र छन उन दुनिया के कुना कै कुना मेले हो सकना, उन्हें जो दमित दलित महिलाएं हैं जो जो उन्हें उमे शनिन छन उन दरअसल आज ले उषा छन। मैं 1.5 साल पहली गांव में झाबरिन अपन यहाँ काम कर मरी हूँ रहवासी नामल और एक किसान कोऑपरेटिव चामल, और तब जब ये बात मैं महसूस करती जब मैं कभी कभी लगता की स्थिति एकदम न बदली, वही रसूखदार आदिमन को ही रुतबा छ और पढ़ा लिखा आदिमन जो छन उनर पहाड़ में उन छन ने और लगातार मतलब एक दूसर किस्म की स्थिति थे। शैलेश मटियानी कहानी में जब पहाड़ों का वर्णन हो जब पहाड़ में बहुत आदिम देखे नान, मतलब सासले देखी ननल देखी तुद्योर ले देखे नान और खूब मतलब खूब चहल पहल छ, लेकिन अब कहानी में अब जो कहानी पहाड़ा छन उनमें बिल्कुल एक मुर्दा शांति जैस एक दूसर किस्म छ अगर तुलनात्मक रूप में देखू जब एक तत्व अंतर ले उन्हें साहित्य में छ। तो बहरहाल मैं यो कौन चाहती ये पूरी बहस में जो मेन चीज छ वो यो छ कि शैलेश मटियानी जो साहित्य छ वो कशे आम जो हमारे युवा साथी छन लिखने वाली या जो उन वाली पीढ़ी छ उन्हें तगड़ पूजो, क्योंकि मैंने लग लू की बहुत कम साहित्य शैलेश मटियानी जी अल्ल में चामर थी हिंदी समय में ले 10 कहानी छन और कहानी ले बहुत मुश्किल मिलना। उनर चोल जो थे राकेश मटियानी जी उनले करीब 5,000 की एक संकलन निकाल छ जो रोजगार आदिमन की तो बहुत दुर्लभ छ, लेकिन अगर लाइब्रेरी में कहा होल जब वो 5,000 संकलन जो छ समग्र छ लगभग तो वो पढ़ी जा सके। तो ये तो उनर पहाड़ी कहानी का बारे में जो तुक मेल बता जे मैं चिटरसेन पोस्टमैन हो गयो, पोस्टमैन एक जब पोस्टमैन हो गयो और दो दुखों का एक सुख तो अद्भुत कहानी छ और तब मैं एक मृदुला हूँ जी और दी उन्हानु एक की मतलब दो अलग अलग दी अलग अलग भीख मांगने उन्हान एक मृदुला हूँ है सूरदास और एक आजूज। तो ये दी जो कहानी वाल छ नहीं मैं कस विडंबना छ मतलब इतुक रियलिस्टिक अप्रोच और भिगारीन को जीवनों की इतुक शानदार वर्णन और कांदन दिखिन और इससे उन्हें एक कहानी छ पोस्टमैन। पोस्टमैन जब शुरू हूँ जब तो
पहली उठे जतिन जब उठे शुरू उस में चिट्ठी लिखना का अंदाज देखा ही रहो। लिफाफे के बाहर पता यूं लिखा था, अब ये देख गया, सोस्ति श्री सर्वोपमा श्रीमान ठाकुर जोश सिंह नेगी ग्राम प्रधान कमशहरी गांव में बड़े पटांगण वाला मकान खुमानी के बोट के पास ऊपर लिखा पोस्ट बेरीनाग पास पत्र ठाकुर उन्हीं जोश सिंह नेगी को जल्द से जल्द मिले। तो ये तरह का उनर जो बिल्कुल तलछटक जीवन छ। और एक और बात छ उनर जो शहरीन की कहानी छ उनले अद्भुत कहानी छ लगन ही नहीं कि हम उस तरह के कहानी पढ़ रहे मनोवैज्ञानिक कहानी एक मेल उनर पढ़ सक कैटरस मैं पगली गई हूँ बाबरे मतलब मैं पहल कहानी उनर आंचलिक या बटे छलवीर वही पढ़ सक कैटरस वो बात दूसर कहानी मैं पढ़ से उनर उठाईगीर उठाईगीर कहानी लखनऊ जो आजाद पार्क छ आस पास चोर उचक्कान के बारे में लिखना एक कहानी छ दी चोर उनान एक मुसलिया हूँ एक हिंदू हूँ दी ये और जो मुसलिया हूँ उस्ताद हूँ मतलब उनर हिंदू और दी मरण दम तक साथ रुनान फिर और कसे चोरी करना और उनर चोरी चोरुन को ले कतुक ईमान ईमान हूँ मतलब हम जो पढ़ा लिखा आदिम छू या जो अनसेंसिटिव हूँ उनर है जात कतुक उनर आज भीतर दूसरा देखवीरन मतलब ईमान हूँ वो कहानी में देखे क्योंकि एक बुढ़ी गलत चैन लुथना लास्ट में जब बुढ़ी गिर जाए लौट जाए फिर दी चोर बुढ़ी चानखिन जाना जबकि उनर अपन जिंदगी में ले बहुत किस्मक संघर्ष था। तो दोस्तों बहुत बहुत मैं भर लग चाहिए कि गुनान कुमाऊनी शब्द संपदा में और 1:53 हो गया आधा घंटा में ले रगड़ दीज बोलने के लिए बहुत छ मटियानी जी में काम करने के लिए बहुत छ और महसूस करने के लिए बहुत छ मटियानी जी जो साहित्य छ वो सर्वसुलभ हो जाए जो तमाम जिम्मेदार आदमी छ उनर साहित्य कई तरीका आम जनता तक पूजन चाहे क्योंकि अगर कई लाइब्रेरी में झलात उनर 2-3 किताब है जानना मिलना तो यही मैं पहुंचा छू बहुत बहुत धन्यवाद और कब फिर ठुल बात कर ला अगर मौक मिलो जब और रक्षित पाठक जी हेमपन जी और देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद जय हिमाल बहुत धन्यवाद अनिल बहुत बहुत धन्यवाद और उसके साथ बहुत सारा प्यार। तो आपने देखा कि अनिल ने किस तरह से उनकी कहानियों के मर्म को हमें समझाया बिष्ट जी ने उपन्यासों पर पूरी बात रखी और उनके उपन्यासों की काफी विस्तार से चर्चा की और मटियानी जी के जीवन संघर्ष को डॉक्टर शेखर पाठक ने बहुत समझाकर और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सामने रखा। अब क्योंकि समय पूरा होने वाला है करीब और मैं चाहता हूं कि इसके साथ ही थोड़ी सी चर्चा मतलब उसमें रखें कि जैसे मैंने बताया कि मैंने मेरी 33 कहानियां पढ़ी थी तो उनका असर ऐसा पड़ता था मटियानी जी का उन पर प्रभाव ऐसा पड़ता था कि मेरी 33 कहानियां और इसके अलावा और बाकी उनकी कहानियों को पढ़ के उपन्यासों को पढ़ करके इतना असर पड़ा कि मुझे लगा कि अरे बाप रे इस तरह का ये सब मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है बकरों की और किस कौन जो बकरा काट रहा है उसकी मनस्थिति क्या है वो मेरे दिमाग में घूमते रहो हमारे गाँव में लुहाखा में कुछ में और मैं सोचा कि लुआखामा मंदिर का एक बार में तो नहीं जानो चितई एक बार में सब जाननी तो मैं चितई में अपन कहानी में वो रखा और वी में जो वो जो एक बकरा बलि का कहानी एक मैं लिखी और वी में सब यो किन के क्यन 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 घन 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 हिन कुट घन कुट ये सब मैं आवाजों के लिए इस्तेमाल करो वो प्रभाव मटियानी जी की कसिक हम ध्वन्यात्मकता जो एक इस्तेमाल कर बेर कसिक हम पहाड़ा का अपन आखरों के लिबेर कसिक हम पहाड़े पूरी प्रकृति के लिबेर ये कहानी में कसिक गुण जगनों पे तो मेरे वो कहानी उन दिनों बहुत सम्मानित पत्रिका थी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बटी शुरू है और डॉक्टर बालकृष्ण राव एक संपादक थे और उनमें देश भरिक जो साहित्य छपे थी विभिन्न भाषाओं के लिए अनुवाद छपे थे तो उसमें एक बकरा बलि का राव साहब वो कहानी स्वीकृत करे वहां छपी एक बात मेरे दाड़िम के फूल कहानी हुई मैं आंचलिक कहानियां और कहानी वगैरह में आई लेकिन आज मैं यो अनुभव करूँ कि मटियानी जी के पढ़ना के बाद एक भीतर या ये अचानक बेचैनी जैसे भय कि मैं अपन आसपास अपन घर अपन गाँव अपन लोग अपन
रीत रिवाज अपन संस्कृति विके देखबेर में के लखन छे तो मैं बहुत कहानी उसी लिखी उन्होंने और उस चीज एकदम जो वो दिल के छुली थी हृदय के हृदय स्पर्शी जो थी जैसे फौजी चिट्ठी लिखे सुंदर कहानियों में उपन्यास में कहे चिट्ठी हो सी फौजी आखिर में वो एक वो पढ़ बेर यस लगे सी उन दोनों ब्याह नहीं हो रहे थी मतलब विद्यार्थी सी उनमें तो उनमें आखिर में लिखे थे तुम्हारा फूल बुरोस का वो मैं कभी भूलियो ही नहीं मैं आज ले लगा और मेरा ख्याल ब्याह है पहली मेल जो थोड़ा बहुत चिट्ठी अपन घर वाले के लिखी जब सगाई हुए गए तो मेरे लिए जरूर लिख दिया तुम्हारा फूल बुरोस का लेकिन वो इतुक मन में बैठ गए कि यह ज्यादा प्यार के दिखाई जा सके और उन्हें जो अर्धांगिनी जैसे कहानी में छो जैसे मतलब एक हिंदी साहित्य में ऐसी दुर्लभ कहानी मिलो ही नहीं था वो दुर्लभ कहानी जे में अपन जो पत्नी से अपन घर वाल से वीक प्रति जो एक पति कत्तुक यक प्यार हुए सको कत्तुक उन जैसे करने की एक गाड़ी द्विपहिया कहने वो वी कहानी में कोई देख बेर अनुभव कर सका प्यार यथके उथके सब दिखाई जांच और प्यारे कहानी सैकड़ों हजारों कहानी छे लेकिन अर्धांगिनी जैसे जो कहानी वो केवल मटियानी जी लिख सके और बीच में जिक्र करो अनिल जैसे बता कि दो दुखों का एक सुख कहानी जिक्र आज हुई में और हुई में यक फड़कांड हुए और यक कोड़च और यक जैसे सूरदास उन तीनों कहन से तो मटियानी जी मैं क्या बता कि देवेन पता है तुमको इस कहानी का शीर्षक किसने बताया मुझे मेरी कहानी के शीर्षक जो है ना ये कमलेश्वर का दिया हुआ दो दुखों का एक सुख जो सब वो कहानी का शीर्षक उनके कमलेश्वर ने देसी तो उन यश किस लिए सुनाई करे थी बहुत तो यश करनो की ये मैं आप दो घंटा टाइम है जा तो एक आध वो बताए बेर में एक आध और मतलब या किस्सा सुना दी उसमें ऐसी उन्होंने एक बेर जैसा जब वहाँ मैदगाड़ रही थी तो अपन ट्रंकनों के लिए बेर उन आई और वे बाद उन्होंने को नैने तो जो फोल्डिंग चारपाई से तो मैं मैंने शिक्षक लू तो चारपाई बैठ जाए मेरे खोता शरीर तो खुल से और मैं कहीं भर लाकर जमीन में सिपा तो तुम देर से तो देर निकाल देर में उन्होंने अपन गद दबा सब सब कुछ उन्होंने हॉल डॉल में बंधी हुई थी और वो बिछाए बेर आराम में से थी यथके उथके एक तरफ मैं से थी फोल्डिंग चेयर में एक तरफ कैलाश पंत मेरा दोस्त थी तो हम दुई रेसियाँ साथ में और उन दोनों अपन एम एस सी पास कर बेर हम उस इंस्टीट्यूट में नौकरी कर रहे उन्होंने आया दिल्ली तो मटियानी जो जैसे वो सुनाते रहे दिन भर थक बेर हूँ बहुत ज्यादा थक बेर हूँ और फिर मैं थे कैसे देवेन एक बात बता तू मेर नान भाई भे मैं को किले हो तो दाजू के मतलब एम ए के शख्स तो भाई तू यह काम कर मैं बहुत थक गसो ने मैं पूर आंग जो से वो दुखना तो मैं तो के कहानी सुनू और तू मेर खुटाबटी ने एकदम खुटाबटी चलते है मेरे गर्दन तक और मेरे हाथों तक इसे तू पैदल चल मैं तो क्या कहानी सुनाते हूँ तो उन्होंने बहुत मजेदार कहानी सुनाई थी वो फिर कहते ने वो कहानी सुनोल मूवी में इसी के एक दिन छक बहुत थकबेर आई तो ऐबेर उन्होंने को जरा सा कोई वो है डिटॉल जैसे कई मतलब थोड़ा खरोंच आ गया मैं उनको खरोंच कैसे कहा तो चोट कैसे लगी अरे वो रिक्शा पलट गया था ना मैं अंसारी रोड में रिक्शा में बैठ पे रहने से तो रिक्शा पलट गो मेरे को रिक्शा कैसे पलटो तो नहीं नहीं रिक्शा बहुत आराम चलो नहीं से वो लेकिन वी में दोनों तरफ कार लगी हुई थी और वो एक बार जैसे फिर ले गए ट्रैफिक भय या दिल्ली ट्रैफिक भय तो यह कार वाल जरा सा टक्कर लगाए दे व्हील और रिक्शा पलट पड़ो तो वी में है वो बेचार रिक्शा वाले भय में पड़ो और मैं लेके मेरे को अरे तो कतो चोट है तुमको गुम चोट होने तो खाली खरोच खाली दिखी न दे भैर वो कहे नहीं नहीं यो सब ठीक है जहाँ कोई दिक्कत नहीं से लेकिन तो एक मजेदार बात मतलब देवे नहीं बताऊ कि राजे ने अदो करने भय कि नहीं नहीं गलती सारे रिक्शे वाली की थी तो मेरे को के लिए राजेंद्र यादव के लिए उनले तुम ही दगाड़ से रिक्शा में नहीं नहीं वो रिक्शा में कहा वो अपन में भय ऑफिस में भय मेरे को पे उनके पत्तों के रिक्शे कैसे पलटो के
हुई महल्ले को कि तुमको कैसे पता कि रिक्शा कैसे पलटा, मैं बता रहा हूँ। रिक्शा वाला बहुत संभाल के, मतलब बहुत भली के चलोने सी, एक कार जरा सा टक्कर लगाया गया तो वही मैं पलटी गई थी। वो गरीब आदमी बेचा, वो ज्यादा चोट ने है और मेरे लिए खाली खरोंचे है, वो फिर ले अड़ गया राजे ने यादव। नहीं, गलती तो रिक्शे वाले की थी। तब मैं कौक निर्भय, रिक्शे वाले की कैसे थी ये बताओ। तो कट लगी कि ये लहीम शहीम ट्रक की सवारी को उसने अपने रिक्शे में बैठाया ही क्यों। और हंसने बह बोला, कहा चोट लगी बह, कहा वो ये किस्सा लो, ने तो मस्त है ऐसी हुए दिन कि राजे ने आज यो कॉब में थे के अंसारी रोड बटी लौट भी रहे बह। तो उन्हें रखे बहुत किस्से थे जो मैं दगाड़ जतू लेके, मतलब जैसे साथ मैं के जतू साथ मिलो उन्हों दगाड़ रनक और थोड़ा संग साथ में जो जो जब जब वो बताते रहे पर वो दिल्ली में आस पास लेखकों को वहां ले गया वो एक लेके बातचीत से। तो वो किस्सा कहानी फिर कभी और दिन सुनो। आप 2 घंटा टाइम भेगो और आप लोग ले थक गए हो नाला सुनते हुए। ठीक छो, धन्यवाद, नमस्कार।